Assalamualaikum, good morning, पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ये बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, आज से सारी माएं चिल्ला रही होंगी, है ना, चीख रही होंगी, खुश हो रही होंगी। कुछ माएं तो बड़ी खुश हो रही होंगी, मगर कुछ माएं दुख में चीख रही होंगी कि वो सुबह सुबह उठकर, क्योंकि बच्चों की तो आदत डेवलप हो चुकी है सुबह उठने की, अब सर्दी में भी वो सुबह सुबह उठकर टीवी लगाएंगे, बहुत जोर से शोर करेंगे, फिर नाश्ते के लिए आवाजें लगाएंगे, और फिर वो जो आप बच्चों को भेज के सोया करती थी ना मेरा शो देखने के बाद, हाय 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 15-20 दिन के लिए भूल जाए उसे। मगर वो माएं खुशी से चिल्लाएंगी जिन्होंने ये प्लान किया है कि इस दफा हम बच्चों को पाकिस्तान के नॉर्थ ले जाएंगे, पाकिस्तान घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनली थोड़ा सा सेफ नहीं है ट्रैवलिंग, सुनने में ये आता है, मगर जाने वाले जाते भी हैं, दुबई भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, यूरोप भी जा रहे हैं, लंदन भी गए हुए हैं लोग बहुत से घूमने फिरने के लिए। आपको पता है जिंदगी में जब आपको रिलैक्स होना है रूटीन वर्क से, जैसे कि आपके हस्बैंड सुबह निकलते होंगे थके हारे ट्रैफिक की ची ची चू चू पू पू पी पी, और उसके बाद फिर घर आने से पहले पूरा दिन बॉस की हमेशा नोक झोंक टोक टोक सुनना, उससे ना एक चिड़चिड़ाहट डेवलप हो जाती है आपके हस्बैंड में। नोट करें जब वो घर आते हैं थके हारे, और उस वक्त आपके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं उनसे करने के लिए, आपके बच्चे भी बहुत कुछ उनसे कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका बेजार चेहरा देखकर और चिड़चिड़ाहट वाली नेचर देखकर आप चुप हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता 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 फैमिली एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती है। मगर अगर आप अपनी जेब को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा प्लान करें, बहुत जरूरी है छुट्टी, बहुत जरूरी है, भले कहीं ना जाए पैसे नहीं है, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो फैमिली का करीब आना है ना, वो छोटी सी पिकनिक पे जाने से भी आ सकता है, वो छोटी सी किसी के लाहौर जाकर किसी रिश्तेदार के घर रहने से भी आ सकता है, कोई छोटी सी गैदरिंग से भी हो सकता है। जो आपका रूटीन वर्क है, जब आपको उससे फरार मिलती है, जब आपको उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन या ब्रेक मिलता है, तो वो टाइम आप वक्फ कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है। बहुत सारे लोग सारी उम्र कमाने में निकाल देते हैं, और उसके बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उनकी हिम्मत जवाब दे देती है, और उसके बाद फिर वो सोचते नहीं, हाय कैसे जाएंगे, घुटनों में दर्द होगा, हाय कि हम तो नहीं जा सकते भाई, बच्चों तुम ही अकेले चले जाओ। सो वो फैमिली की जो बॉन्डिंग है ना, जो आपको साथ कहीं भी जाने की वजह से आती है, वो अक्सर आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती है। हर चीज़ के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। किसी कपल में बीवी बहुत अच्छी प्लानर होती है, किसी कपल में हस्बैंड बहुत अच्छा प्लानर होता है, और इसीलिए ये रिश्ते बनाए रखने के लिए, ये रिश्ते पॉजिटिव रखने के लिए आपको एक साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, 2 साल मैंने जर्मनी में पढ़ाई की है, तो मैंने करीब से जो गोरा है उसको देखा है, क्योंकि हम जहाँ रहते थे हमारे पड़ोसी वगैरह सारे वही लोग थे। सो हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी, अगर वहाँ कोई बेबी सिटर है, अगर वहाँ कोई कारपेंटर है, कम से कम तनख्वाह वाला भी बंदा है, वो अपनी ही उसमें चादर में रहते हुए ज़रूर छुट्टी प्लान करता है। अगर उसे सैटरडे संडे के अलावा 2-3 और लंबी वेकेशन मिले, वो उस हिसाब से वेकेशन प्लान कर लेता है, लेकिन वो वेकेशन पे जाता ज़रूर है। आप खुद नोट कीजिएगा, जो आप कमेटी डालती हैं और आप सोफ़ा सेट खरीद लें, फलाना जोड़ा बना लूँ, फलानी ये चीज़ कर लूँ, अगर आप उन सब पैसों को जमा करके अपनी वेकेशन प्लान करेंगी अच्छे से, साल में एक दफ़ा चलो, 2 साल में एक दफ़ा चलो, 3 साल में एक दफ़ा, छोटे बच्चों के साथ या बड़े बच्चों के साथ, तो यकीन माने आपको आपके घर का माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। पूरे साल तो उसी छुट्टी की डिस्कशन होती रहती है,
मगर छुट्टी कभी बर्बादियां भी मचा सकती है अगर गलत फैसला कर ले तो। सिर्फ ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, बस चक्कर उल्टियां और बहुत सारी और चीज़ें। गलत खा लिया बाहर से, गलत खाने के बाद आपका पेट ख़राब हो गया, बीमार पड़े हुए जाके, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया, गलत प्लानिंग कर ली, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ गए नहीं। तो ये जो सारे मैंने आपको लेक्चर दिया ना, इसमें खूब अच्छी सी मिट्टी और कीचड़ पड़ जाएगी। सो इसीलिए मैंने कहा यार, वो लोग जो ये सोच रहे हैं इस साल या फिर अगले साल या फिर कभी भी, उनकी थोड़ी गाइडलाइन उनको दी जाए, उनको थोड़ी हेल्प किया जाए, क्योंकि मैं भी एक्चुअली अप नॉर्थ या पाकिस्तान इतना नहीं घूमी और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए कि क्या है वहाँ और कैसे जाएँ, कहाँ रुकें, गाड़ी लें, जहाज़ लें, ट्रेन में जाएं, कैसे जाएं, ये बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से गुजारा हुआ है। मैं तो गई थी जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो बहुत मज़ा आया था। पता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, उस वक्त हम पहली दफ़ा यूरोप गए और हमें कुछ पता नहीं था, बगैर प्लानिंग किए हुए पता चले गए। बच्चे छोटे छोटे से, ला थी कोई 6 महीने की, फरीद था कोई 2.5 साल का, और हम यहाँ भागे वहाँ, ऐसा लगा कि मजदूरी कर कर आए। जब हम पाकिस्तान आए तो उस छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर यासिर ने कहा तुम्हारी तो प्लानिंग बहुत गड़बड़ निकली, चलो मैं प्लान करता हूँ। और हम चले गए भूरबन, वहाँ जाने के बाद मरी भूरबन और उशू और उज सारी ऊपर पूरी और पोर्शंस थे, हम वहाँ गए और यकीन जाने इतना मज़ा आया, इतना हमने इंजॉय किया कि वो जो सारी थकन थी ना इधर उधर फुल मिस प्लानिंग वाली वेकेशन की, वो सारी प्लानिंग के साथ हमने जब पाकिस्तान टूर लिया रिलैक्स हो गए। तो इसीलिए कहीं भी जाएं प्लानिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है, और आज मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प कर रही हूँ। सस्ता महंगा जो भी आपके लिए अफोर्डेबल है वो सब हम आपको आज बताएंगे, और साथ साथ सेलिब्रिटी अपनी मेमोरीज भी शेयर करेगा, और एक्सपीरियंसेस तो सबके होते हैं। तो आइए एक बहुत जबरदस्त मजेदार सा प्रोग्राम देखते मिलकर इकट्ठे, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, छुट्टियां अगर हो गई हैं तो बांधे सामान और निकल जाएं यार, किसी कजन के घर भी जा सकते हैं अगर होटल के पैसे नहीं हैं। या फिर अक्सर बच्चों का ये होता है कि अब तो हम नानी के घर जाएंगे रहने के लिए, या फिर किसी कजन के घर जाएंगे रहने के लिए जो उसी शहर में होते हैं। सो ये भी होता है, तो सामान बांधें क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां हैं तो कहीं ना कहीं तो इंजॉय करना ही है ना। वैसे भी अगर घर में रही बच्चों के साथ तो और पागल हो जाएंगी, सो इसलिए कहीं जाने का की तैयारी कर लें। आइए मैं आपको तैयारी करवाती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ उस लड़की को जिसको घूमने का बहुत शौक है, और उसके घूमने के शौक की वजह से आई थिंक सो फैमिली में भी शौक डेवलप हो गया उसके बच्चे के साथ। अक्सर मैंने तस्वीरें देखी है कि भाई वो दुबई शुबई तो अपने दोस्तों के साथ जाती है, लेकिन जब अगर पाकिस्तान की तस्वीरें, जो पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान अगर कहीं ट्रैवल करती है, तो मैंने देखा है वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर जाती है, और वैसे भी हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आइए वेलकम करते हैं मेरी एक दोस्त जो घूमने की शौकीन है और आपको भी गाइडलाइंस देगी, रबाब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और अभी लाहौर से आई है, शिफ्ट हो चुकी है, हमने इनको कहा तुम्हें हम थोड़ा सा झूला देते हैं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कराची का झूला तो कौन नहीं लेना चाहेगा, तो वक्तन फवक्तन हम तुम्हें बुलाते रहेंगे। बिल्कुल, तुम्हें मुझे पता है तुम्हें कराची बहुत याद है, बहुत है ना। तो रबाब बहुत घूमने की शौकीन है, बहुत, हमेशा से? हमेशा से, मतलब लाइक जब छोटी थी तब? कैसे आदत डेवलप हुई? जब छोटी थी ना तो मैं ये सोचती थी कि मैं एरोस्टेस बनूंगी, क्योंकि मुझे इतना शौक था। मैं भी तो मैं कहती थी मैं बड़ी होके ना एरोस्टेस बनूंगी, तो मुझे बचपन से ही शौक था ट्रैवलिंग करने का, और अल्लाह ने हमेशा विश पूरी करी और बचपन से ही ट्रैवलिंग कर रही हूं। आप कभी कोई ऐसी घड़ी होती है आप दुआ मांगते हैं और आप कबूल होती है? कबूल होती है, बिल्कुल। ट्रैवलिंग एरोस्टेस नहीं बनी, मॉडल बन गई, पूरी दुनिया तुमने घूमी, बिल्कुल, यहाँ शोज वहाँ शोज इधर शोज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत, और बहुत इंजॉय किया। अब तुम्हारे बच्चे के अंदर भी आदत है?
बच्चे के अंदर भी है और मियाँ के अंदर भी है ना। हाँ वरना जैसे मेरे मियाँ बहुत बोरिंग है इस मामले में ना, उनको तो घूमने का शौक नहीं है, मैंने डलवा दिया। नहीं नहीं मियाँ को मेरे है, है? हाँ, उसको है तो वो एक केमिस्ट्री फिर बन जाती है कि वो मियाँ को भी शौक है और बच्चे को भी है। तो वो फिर तुम लोग घूमने जाते हो तो वो वाले लोग तो नहीं हो कि होटल से निकल ही नहीं रहे, नींदे पूरी कर रहे हैं, ना 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 कुछ ऐसे भी घूमने वाले? नहीं नहीं, बल्कि ना मेरा हस्बैंड सबसे पहले वो उठेगा और उठाता है हमको, उठो उठो उठो, टाइम जाया नहीं करना होटल में, टाइम जाया नहीं करना, होटल में नहीं रहने आए हैं, वो निकलने की करता है। तुम लोग प्लानिंग करते हो पूरी के हमें इधर जाना है इधर जाना है, किसी दोस्त को फोन करके पूछते हो यार तुम पहले उधर, अक्सर ऐसा भी होता है ना यार तुम पहले उधर गए थे बताओ। हाँ नहीं, ये मेरा सारा काम मेरे हस्बैंड करते हैं। ये अच्छा, तुम्हारे घर का प्लानर तुम्हारे हस्बैंड? बिल्कुल वो है प्लानर। क्योंकि अगर होमवर्क करके जाते हैं तुम्हें लगता है इससे कोई फायदा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, आपका टाइम सेव होता है, आप सही जगह पे पहुंचते हैं, आप गलत जगह पे नहीं होते, कि आपको पहले से थोड़ा सा गाइड किया हुआ होता है, तो वो सारी चीजें। क्योंकि बहुत हिल एरियाज में बहुत सारी जगहों पे तो सिग्नल्स भी नहीं आते ना। हाँ नहीं आते, आते ही नहीं है, नहीं मिल रहे आपको, फिर वो एक अलग सिम लेनी, अगर एक बंदा ले लेता है कि भाई वो कॉन्टेक्ट में रहे, उसको सिम मिल जाए एक, नॉर्दर्न एरियाज में ये है प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, ये है प्रॉब्लम। चले यही बात है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सेलिब्रिटीज जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए और फिर उससे बचे हैं वो ये आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जहाँ भी जाएं तो मजा इंजॉय करें। प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है हमें। तो दूसरी जो हमारे पास फीमेल गेस्ट है उनकी भी मैं काफ़ी तस्वीरें देखती रहती हूँ, उनको भी घूमने का शौक है और बड़ी एक्टिव सी हैं, बच्चा उठाया जी निकल गई घूमने के लिए। मुझे वो माएँ बड़ी अच्छी लगती हैं जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ माएँ ऐसी होती हैं वो कहती नहीं 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 बच्चा बड़ा होगा फिर जाएंगे। अरे भाई यही तो दिन है। सो वो माएँ जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं उनके बच्चे, आम बच्चे जो इतना ट्रैवल नहीं करते उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हैं, बड़ी उनको नॉलेज आ जाती है, पढ़े अगर पढ़ाई के शौकीन भी नहीं होते लेकिन उनके अंदर एक चीज़ डेवलप होती है और वो बड़ी अच्छी वाक़ होती है जब वो आगे बड़े होते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हम सादिया फैसल को। कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम भी मॉडल एक्ट्रेस, इसीलिए बड़ी घूमने का शौक है? घूमने का बहुत, ये देखें एक और घूमने का बहुत शौक है और फैमिली के साथ घूमना हो तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा, आपको तो पता है आप भी हर साल वेकेशन पे जाती है ना। अच्छा फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है या दोस्तों के साथ ज्यादा? अच्छा पहले दोस्तों के साथ आता था बट अब जब से फैमिली है तो माशाल्लाह से फैमिली के साथ, वो फिर अगर फ्रेंड्स के साथ जाएं तो मुझे थोड़ी गिल्टी फीलिंग होती है कि बच्चा नहीं लिया, मियाँ के साथ जाना चाहिए था। तो अब मैं एंजॉय करती हूँ फैमिली टाइम, 100%। अच्छा जब बच्चा छोटा था तब से ही जाती थी या तुम भी वही वाली माँ थी कि हाय नहीं नज़ला ना हो जाए, सर्दी में नहीं ले जाऊँ? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल वहमी माँ नहीं हूँ और ना थी। तो ये छोटा था, 2 साल का था, बल्कि 1.5 साल का था, तब भी मैंने ट्रैवल किया उसके साथ। और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत हैप्पी चाइल्ड है, तो मुझे लगता है कि बचपन से अगर बच्चों को आप आदत डालें ना तो वो उसमें यूज्ड टू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ही इज़ वेरी ओके विद एवरीथिंग। मतलब थोड़ा सा है कि मैंने बस यहाँ नहीं जाना, घर बैठना उसको ज्यादा पसंद है। अच्छा। बट हम ट्रैवल करते हैं तो उसको होता है कि नहीं करना है और एंजॉय करना है। और जैसे मैंने सवाल किया रबाब से कि तुम लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जो होटल में ही रहते हैं या बाहर निकल के एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर वाला घूमना पसंद है? नहीं नहीं नहीं, एडवेंचर फिर फायदा क्या है ना, ऐसे लोग भी हैं 4-4, 5-5 बजे तक सोए, मेरे बच्चे भी है ना यही तुम्हारे सामने। अच्छा मेरे हस्बैंड ना इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं अगर जाना है तो फिर जल्दी उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो। मेरे मियाँ हैं ऐसे, तो मैं थोड़ी सी लेजी थी लेकिन फिर अब मैं भी बेहतर हो गई हूँ। तो हमें होता है कि दिन में, अभी जैसे हम गए हुए थे कोई 2 महीने पहले नॉर्दर्न एरियाज, तो हमने टाइम फिक्स किया हुआ था और हमने बताया हुआ था कि इस दिन हम ये करेंगे इस दिन ये करेंगे, तो थोड़ी प्लानिंग हुई हो ना जब आप घूमने जाएं तो बहुत इजी हो जाता है। इजी हो जाती है बिल्कुल। मैं तो नोट डाउन करती हूँ सारा कुछ, नोट डाउन करती हूँ। अच्छा तुम प्लानर हो तुम्हारे घर? मैं प्लानर हूँ, ये यहाँ पे ये प्लानर है। प्लीज बैठो, तुम लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। अच्छा अब जो मैं अगले अपने सेलिब्रिटी गेस्ट बुला रही हूँ, इनकी भी हमने पिक्चर्स देखी थी और ये मजे की बात है कि दो छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में एक करने के, मतलब एक बच्चा छोटा होता है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं,
दो छोटे बच्चों के साथ कैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं ये तो मुझे इनको बुला के पूछना पड़ेगा। और साथ साथ ड्रामों के बीच में जो कि हर ये शख्स हर चैनल के हर ड्रामे में जो नजर आ रहा होता है, इसको कैसे मौका मिलता है घूमने फिरने का, ये मैं जानना चाहती हूँ। आज हारून शाहिद को बुला के पूछना चाहती हूँ। आइए वेलकम करते हैं हारून शाहिद। सब आपको बुला रहे हैं ड्रामे में वापस आ जाओ, हम कहाँ के सच्चे में वापस आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सुने आप कैसे टाइम निकालते हैं वेकेशंस का? मैं अभी बैठ के यही सोच रहा था कि एक टाइम था कि बड़ा आसान होता था, निकल जाते थे। हाँ। अब मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है ना, इधर डेट्स थी में, उधर डेट्स थी में, उधर। अब वो वाइफ भी आपकी वर्किंग है, आई गेस वाइफ इज वर्किंग एज़ वेल। सो अब दोनों के टाइम को मैच करना, दोनों के टाइम को मैच करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। और मैं अगेन अभी वही बैठ के सोच रहा था कि यार कब होगा कि वाकई में हम कोई ट्रैवल कर सके। ऊपर हाँ। से अनफॉर्चुनेटली कोविड। yes. तो इस साल मेरा प्लान था, पिछले साल मेरा प्लान था हाँ। कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। okay. क्योंकि मेरे भाई दोनों वहाँ पे हाँ। और ऑस्ट्रेलिया मैंने सुना है एक बहुत खूबसूरत जगह है ट्रैवल करने के लिए। मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना बहुत। हाँ, सो मैं खुद नहीं गया हाँ। तो नहीं जा सका एंड बस इंतजार। पाकिस्तान हिल एरियाज कब गया? अच्छा, पाकिस्तान एक तो क्योंकि लाहौर में पले बड़े हैं तो हाँ। उसके एक फ़ायदा वहाँ पे ये ज़रूर है कि वहाँ से बनिस्बत कराची के हाँ। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, आप सफर आधा हो जाता है। हाँ, आप लिटरली छः घंटे में आप गलियात में पहुँच सकते हैं वहाँ से। ओके, हाँ। तो वो एक फ़ायदा ज़रूर है और अपने ज़माने में वो किया ज़रूर है कि बस निकल पड़े। तो मतलब जब छड़े छाड़ शादी भी हुई थी तब निकल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों ने प्लानिंग की और लग पड़े। हाँ हाँ, कि कभी कभार ऐसे भी हुआ है कि यार वो बस करीब ही जा रहे हैं किसी फार्म हाउस पे हाँ। और उन्होंने मुझे बीच वाली सीट में बिठाया और कुछ बस ले गए, सरप्राइज दिया हाँ, कि चलो भाई तो चलो घूमने जा रहे हैं। और तो इस तरह हो चुका है मेरे साथ। ओहो हाँ। तो उसके बाद शादी के बाद आप अपनी वाइफ को कितनी दफा लेकर? उसके बाद भी गए हाँ। उसके बाद आई थिंक कोई हम 3-4 मर्तबा तो गए हैं। मतलब हम जैसे सोचते हैं यार चलो समंदर की पिकनिक पे चलते हैं, कराची वाले ये सोचते हाँ। हैं, तो लाहौर पंजाब वाले ये सोचते हैं चलो भाई छुट्टी आ रही है। मेरे साथ एक और भी वो मामला है क्योंकि रास्ते में इस्लामाबाद आता है, वहाँ ससुराल है, तो वो प्लानिंग के साथ साथ जो है ना बन गया असल ट्रिप। हाजिरी लगानी है दामाद जी ने उधर, ये भी बिल्कुल हाँ। और या उसने जाना है घर हाँ, उसी बार है तो इसी बार है कि भाई चलो 3-4 दिन हम लोग घूम लेंगे फिर तुम अपने तो मैं मैके छोड़ दूंगा और मैं कराची आ जाऊंगा काम करने, लाहौर चला जाऊंगा। छोटे बच्चों को लेकर गए? बच्चों को बेटे के साथ गए, बेटी के साथ मैं नहीं जा सका, बेगम गई है। बेगम गई। अच्छा, ये तो पता होगा ना आपको कि बेगम ने क्या क्या एहतियाती तदाबीर और सब चीजें की होंगी, तो वो आपने हमारे लोगों को गाइड करना है जिनके छोटे बच्चे हैं। और जो अब तो बहुत अच्छा बन गया, आप लास्ट कब गए थे याद? 2-3 साल पहले गया। 2-3 साल पहले। सो अभी तो मैंने बड़ी तारीफ नहीं, सुनी। वाकई में इम्प्रूवमेंट आई है हाँ। और क्योंकि 2-3 साल पहले नहीं, अभी मैं शूट पे गया था इस साल हाँ, एक जगह है बटाकुंडी हाँ। खैर वो काफी बुरा एक्सपीरियंस था, मगर वो बताएंगे। ये बुरा एक्सपीरियंस ही तो मुझे पूछना है, प्लीज आइए बैठिए, प्लीज आइए बैठिए। हाँ जी, पता है हम सबसे पहले अच्छी बातों से पहले हम थोड़े से बुरे एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया या ड्राइवर अच्छा नहीं मिला या कोई और ऐसी चीज, खाना खा लिया पेट खराब हो गया, गलत जगह से होटल अच्छा नहीं मिला, मच्छर थे वहाँ या खटमल थे, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तुम लोग कभी? हुआ है मगर मैं बताऊँ बहुत इम्प्रूवमेंट है बहुत, क्योंकि तुम रिसेंट कब गई हो? मैं अभी लास्ट ईयर गई थी। ओ दिसंबर में, पूरा 1 साल हो गया मुझे। अच्छा, तो इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है और इतनी लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है हाँ। और ज़्यादातर लोग बन गए हैं, बड़े अच्छे बन गए हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए और लोगों का जो रुझान है हाँ। वो नॉर्दर्न साइड अब ज़्यादा हो गया है, हो गया है। कि वो लोग कहते हैं कि भाई हम अपने, क्योंकि वो कोविड की वजह से जब इंटरनेशनल सब बंद था तो लोगों ने कोशिश करी कि जी हम अब इधर एक्सप्लोर करें। सो इस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, मैंने सुना बड़े गोरे शोरे भी आए हुए हैं, आते हैं। देखिए अगेन इस चीज़ का क्रेडिट वैसे इमरान खान साहब को जाता है। उन्होंने बहुत, जितना उन्होंने बोला है ना इस साल हाँ। और पिछले 3 साल से कि यार पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान हाँ। के नॉर्दर्न, बल्कि कल ही की बात है उन्होंने वो स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। सो नाउ इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ जा सकती हैं, जिसका ये मतलब है वो जितने भी लोग जो माउंटेनियर्स हैं तो उनके लिए तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो गया। वो पहले आते थे इस्लामाबाद और वहाँ से निकलते थे, तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक एक जगह यहाँ पे ना मुझे
यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, मुझे ये उनकी मतलब लाइक उनकी वीडियोस वगैरह देख के ये मुझे खुशी होती है. टिकटॉक की वैसे मुझे हर चीज नहीं अच्छी लगती, लेकिन बहुत टिकटॉकर्स गए हैं नॉर्दर्न एरिया जाके वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूबर्स गए हैं स्पेशली जो पाकिस्तानी अलावा इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जाके बकायदा कमरे दिखाए हैं, व्लॉग्स बनाए हैं जो इंटरनेशनली लोगों की नजरों में आया और फिर इस तरह आए. बिल्कुल. अच्छा तुम क्योंकि अभी रिसेंट गई हो. मैं रिसेंट भी गई थी और जब मेरा बेटा 1.5 साल का था तो मैं तब भी गई थी. अच्छा. तो मैंने उसको कंपैरिजन किया कि कितना डिफरेंस हो गया है. हाँ. और हम उसी जगहों पे भी गए जब उसको हम लारेब को पिक्चर्स ली थी हमने जब वो 1.5 साल का था. तस्वीरें हैं वो. हाँ तस्वीरें. और वो फिर हमने वो पिक्चर भी ली वहीं पे स्पॉट पे जब वो लारेब जो था वो अभी इस एज में हमारे साथ था. हाँ. और उसी पोज में मैंने उसके साथ पिक्चर्स ली थी. जबरदस्त. तो ये एक हमारे साथ एक हमने ये मेमोरी जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो इस वजह से कंपैरिजन के बहुत डिफरेंस बहुत बहुत इंप्रूवमेंट है. बहुत इंप्रूवमेंट है. अच्छा गड़बड़े कहाँ कहाँ बेयर करनी पड़ी ये मैं आप लोगों से. अच्छा, मैं मुझे लगता है कि वो जहाँ इम्प्रूवमेंट तो आई है जनरली मतलब होटलिंग और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतर हो गया, लोग नहीं बेहतर हुए अनफॉर्चुनेट. लोग क्या करते हैं जो वहाँ के मतलब रिहायशी. अभी आपको बता रहा हूँ ना जो मेरा आप वहाँ के रिहायशी की बात करें या आप जो नहीं रिहायशी तो बेचारे वो मैंने एक जगह पढ़ा तो जो बटाकुंडी थी वो तो इतने कम है कि मतलब शायद जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ से भी कम उसकी पॉपुलेशन है कराची के इस कोने से. तो जो लोग जाने वाले हैं वो गंदा करके आ जाते हैं. मतलब मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में चला गया था एक्चुअली क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से वहां पे गंद फेंका है और ये मैं समर्स की बात कर रहा हूँ तो समर्स में तो वैसे ही थोड़ा रश और वहां पे बढ़ जाता है. जी. मतलब मेरा दिल खराब हुआ जाके एक्चुअली. हाँ. बजाय कि मैं वहां पे एंजॉय करूँ इस चीज. हाँ. को मेरा एक्चुअली दिल खराब हुआ कि इतने गंदे लोग हैं. मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक बंदे ने अभी वो अपनी बॉटल खत्म की है जो भी वो कोक या फैंटा. हाँ. जो भी पी रहा था और उसने बहुत आराम से खिड़की खोली और बाहर फेंक दी. और ये अभी हम उस जगह पे देख रहे हैं कि यार या तो मूविंग ट्रैफिक हो तो शायद कोई कहे यार चुप करके फेंक दो कि चुप क्या पता लग रहा है. ये ट्रैफिक रुकी हुई है और कई कई घंटे रुकी हुई है और वहाँ पे आप बाहर गंद फेंक रहे हैं. भाई डस्टबिन में फेंक दो. और इतनी ब्यूटी देखकर तो दिल. हाँ. कैसे अब इंसान एक तरफ आप देख रहे हैं खूबसूरत नजारे. हाँ. और दूसरी तरफ प्लास्टिक थैलियां बोतलें हैं ऊपर से ट्रैफिक और ऊपर से फिर आपको गाड़ी चलाने की भी तमीज नहीं. Oh. तो वो क्योंकि सिंगल रोड्स हैं. हाँ. तो आपने आगे पीछे आ जाते हैं लोग और वो फिर घंटों आप फंस रहे हैं. लाइक मैं मतलब मजाक के अलावा कह रहा हूँ घंटों के लिए फंस रहे हैं. ओके. इस तरह की चीजें. और फिर फाइनली एक और मैं वही अनफॉर्चुनेट बात है अभी भी मुझे लगता है कि हमारी जो खवातीन है ना. हाँ. उनके लिए बाहर निकलना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि वो गलती से औरत को बाहर देख लें कि वो तस्वीर खींच रही है. ओ. तो वो लाइन से को 50 लोग जो हैं वो भी लड़के जो हैं. हाँ. वो वहाँ पे पहुंच. हाँ यहाँ. तो ये इस तरह की मैंने बदतमीजी देखी जो कि बड़ा उससे थोड़ा सा दिल खराब हुआ. तो ये इश्यूज हैं. ये और ये एक बहुत बड़ा इशू इसमें भी आ रहा था जहां हम क्रेडिट दे तो रहे हैं. आई थिंक ये गवर्नमेंट को ये सोचना भी पड़ेगा कि जब हमने इतना ज्यादा वहां पे लोगों को बुला रहे हैं तो क्या वहां हमारे पास इतनी इंतजामिया है जगह जो या जगह है जो मैनेज ये कर सके. वो नहीं है मेरे ख्याल में अभी नहीं. जितना मर्जी आप उसको बेहतर कर लें वो मामला नहीं है. पहले हमें लगता था कि यार मतलब मरी जो था ना एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था अच्छा अब मरी नहीं जाना क्योंकि वहां तो हर कोई पहुंच गया. बहुत रश है. मगर अब आप क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रोड्स और नेटवर्क्स बेहतर कर दिए तो अब तो इवन ये मतलब गिलगित बल्तिस्तान और उन इलाकों में पहुंचना मजाक है. लिटरली मजाक है. मगर मजाक के साथ साथ ये वाली प्रॉब्लम. तुमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की भाई? अच्छा इन्होंने जो कहा है ये वाली प्रॉब्लम मैंने भी फेस की. अभी हम 2 महीने पहले गए थे नथिया गली. अच्छा अभी रिसेंटली गए ना. तो वहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह और खैर हम तो वहाँ बहुत ही एक इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस था. हाँ. हम वहाँ पे अल्पाइन होटल है आजकल. अच्छा. बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है काफी. हाँ. लोग जा रहे हैं. हाँ. बहुत हाइट पे है. अच्छा. और वहाँ गए थे तो मुझे लगता है उससे अच्छा होटल मैंने नहीं जितने भी किधर
था ये किधर था ये नथिया गली में थोड़ा नथिया गली एंटर होके एक घंटे की ड्राइव थी और लेटेस्ट बनाया बना बिल्कुल नया बना हुआ है इतना बिल्कुल आपके अच्छा उसके रेट्स जो है वो पीसी से भी ज्यादा है अच्छा इस लेवल का वो है विलाज है पूरे पूरे एंड रूम्स हैं और साथ में पैटियो है इतना बहुत खूबसूरत है और उधर खाना एंड ऑल बैठ के ऊपर हाइट पे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था तो उस एरिया में तो एसएसएच कोई ऐसा नहीं था क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी फिर उन्होंने क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखा था लेकिन जाहिर बात है नथिया गली आप जाएं तो देखें तो लोग जो पिकनिक पे आए होते हैं या वैसे ही इंजॉय करने आए होते हैं खाया गिरा दिया खाया वहाँ मंकीज होते हैं उनको ऐसे डाल रहे हैं चीजें तो सफाई का बिल्कुल तो ये चीज काफी डिस्टर्ब देखी तुमने भी मैंने भी देखी और पहले मैं गई थी तो हमने हम जिस होटल में मुझे लगता है कि जब आप नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं तो आपको पहले बुकिंग करवा के ये जरूर पूछना चाहिए जिस होटल में वहाँ गैस पानी गर्म आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ बहुत जरूरी है तो पहले एक्सपीरियंस सवाल हो कि भाई आपके पास पानी गर्म आता है अगर पानी गर्म नहीं आता तो क्या करते हैं वो बस वो फिर एक दफा हुआ ना हमारा एक्सपीरियंस हम नारायण का गान गए थे अपनी कजन्स के साथ देखी तो वहाँ हमने फोन पे पूछ लिया बट वहाँ गए वहाँ पानी गर्म नहीं था वो गैस आती थी कोई 2 घंटे की अब वो हम सारी लड़कियाँ कजन्स 2 घंटे में हमने लाइनें लगाई होती थी अब हम ना आएंगे वो इतना कोई बैड एक्सपीरियंस था तो इस दफा जब मैं गई हूँ तो आई मेड श्योर के वहाँ पे सारा कुछ मुझे लगता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट आपकी अकोमोडेशन बहुत कम्फर्टेबल होनी स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स बहुत होनी चाहिए काफी लोग कहते हैं कि हम इंजॉय करेंगे हम कितने पैसे खर्च करें रहने के लिए अगर जैसे किसी के पास कम बजट है और वो थोड़े सस्ते होटल में रह रहे हैं मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक होटल भी और बहुत अच्छे भी हैं हमें नारायण कागान में बहुत रीजनेबल बहुत ही सस्ते होटल मिले और नए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वही बात है पानी गर्म था पानी गर्म बिल्कुल था वो पहला सवाल क्योंकि जब आप होमवर्क करके जाते हैं ना आप लोगों से पूछते हैं जो ऑलरेडी वहाँ जा चुके होते हैं फिर आप अपना होमवर्क करके जाते हैं जब आप हमेशा होमवर्क करके शायद आपको इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं होता और जैसे मैं आप लोगों का सुन रही हूँ आप लोगों को हुआ होगा बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं बैड एक्सपीरियंस मिला प्लानिंग की वजह से एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिर हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे आपको टिप्स देंगे आपको आइडियाज देंगे कि अगर आपने अपनी छुट्टी खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर प्लान करनी है तो क्या करें और क्या ना करें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मैंने कहा कि भाई हम सब मिलकर तो आपको गाइडलाइंस देंगे लेकिन जो प्रोफेशनली सबको गाइडलाइंस देता है और मैंने कहा कि फिर उनको भी बुला लेते हैं अच्छा इससे पहले कि मैं उनका तारुफ उस तरह करवाऊँ कि भाई वो प्रोफेशनली क्या करती हैं ये बताती चलूँ कि हमारा खून का रिश्ता है वो मेरी माँ जैसी किसको कहते हैं खाला को बिल्कुल वो मेरी खाला हैं और बहुत सारे काम करने के बाद उन्होंने ये एक काम शुरू किया जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं बहुत घूमने फिरने की शौकीन हूँ यानी कि उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी खोली एक टूर कंपनी जिसका नाम है तैयबाज टूर्स एंड ट्रैवल और फिर उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उन्हें बहुत सारे खिताबात मिले पाकिस्तान की वो फर्स्ट लेडी टूर ऑपरेटर हैं उसके अलावा फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट From German Tourism Department, Switzerland. तो मैं तो हैरानी रह गई मैंने कहा ये तो बड़े मेडल लेकर आ गई हैं आप भाई सलामुअलैकुम तैयबा मतीन हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम और मैं बताऊँ इनको मैं अम्मा आंटी कहती हूँ उसकी भी एक कहानी है सो इस वक्त आप यहाँ इसलिए मौजूद है कि हमें आपकी ज़रूरत थी भाई हमारी जो पब्लिक है हमारी जो आवाम है उनको गाइडलाइंस चाहिए ये सब अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं हमने ये एक्सपीरियंस किया ये किया अब आपने हमें इस तरह गाइड करना है कि बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं हाय अम्मा आंटी की मुँह पर चढ़ा रहा है तैयबा जी बहुत सारे लोग अक्सर बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं उन्होंने कहता है जीले सिमरन अपनी जिंदगी जीले बस यही है तुम्हारे पास छुट्टी इधर भी चले जाते हैं उधर भी चले बैग उठा के बस सफर ही कर रहे हो और फिर यहाँ आके हमें कहानियां सुनने को मिलती है बहुत सफर किया हमारे करीबी लोग भी ऐसे हैं बहुत कि उनकी प्लानिंग शायद सही नहीं थी तो वो पूरी उनकी छुट्टियां की बर्बादी मच गई सिर्फ ट्रैवलिंग में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह सो ये हमें आपसे गाइडलाइंस लेंगे
वो इसलिए पहले तो आप वो जवाब देना जो आप अभी इनकी सारी बातें सुन जी उसका भी दूंगी जवाब। अभी आपने कहा पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि वो सफ़र करते हैं तो मैं कहूँगी कि वो सफ़र में सफ़र इसलिए करते हैं कि प्लानिंग नहीं होती प्रॉपरली। गूगल से उठा के उन्होंने होटल्स निकाले लोगों के व्यूज़ देखे वो व्यूज़ हमेशा करेक्ट नहीं होते। ओके पर्सनली मैं जिस भी एरिया को नए एरिया को कवर कर रही होती हूँ फर्स्ट जाके उस होटल में न सिर्फ उसको ऑब्जर्व करती हूँ बल्कि वहाँ रहती हूँ एक दो रातें अच्छा। ताकि मुझे पता चले कि आया वो सर्विस क्या दे रहे हैं okay. ताकि मेरा क्लाइंट जो है वो सफर ना करे। तो अब अगर आप भाई हमें जाना है ठीक है तो अब हमें रहना पड़ेगा जो जाके आप नहीं रहोगे लेकिन जो एक्सपीरियंस हैं एक्चुअली जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं वो इसीलिए हैं गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इसीलिए देती है कि वो एक्सपर्टीज हैं उनके पास और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपके कम बजट में आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। पाकिस्तान मैं समझती हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे टूरिज्म की बहुत सारे फ्लेवर्स हैं डेजर्ट्स रिवर माउंटेंस ग्रीन लश माउंटेंस ड्राई माउंटेंस खासकर अच्छा हम तो खाली यही समझते हैं कि भाई नॉर्दर्न एरिया चले गए और कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप। स्पेशली अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है वो बलूचिस्तान में जो हिंगोल नेशनल पार्क है कोस्टल हाईवे इट्स अ ब्यूटीफुल इट्स जस्ट इंटरनेशनल लेवल अच्छा। और वहाँ पे आपको पता नहीं चलता आप इतना लंबा सफर कैसे कर लेते हैं जो सड़कें अच्छी हैं क्या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा। और कौन कौन सी जगह हैं उसके बाद फिर आप सिंध में आ जाइए तो अभी गोरखहिल डेवलप हुआ है उसके अलावा मैंने सुना है गोरखहिल पे जो है वो ठंड भी होती है ऐसा है क्या? ऑफकोर्स जून जुलाई में वहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे आप मरी में बैठे हैं। अच्छा और कुछ साल पहले वहाँ पे सिंध का मरी कहते हैं उसे गोरखहिल उसका नाम है बदीन से आगे है अच्छा नहीं उसको सिंध का मरी कहते हैं सिंध का मरी कहते हैं बिल्कुल। अच्छा इसके बाद फिर अगर आपने सिंध का कल्चर देखना है तो वो मैं करवाती हूँ एक 3 दिन का मोइंजोदड़ो 7 एंड हाला हिस्टोरिकल अच्छा। भी होता है और उसमें ये कि जो विलेज लाइफ है वो हम लोगों को दिखाते हैं तो उसका एक अलग एडवेंचर है। फिर नॉर्दर्न एरिया नॉर्मली लोग ये कहते हैं जी उठो और मरी सवात चले जाओ या फिर हुंजा गिलगित चले जाओ और वो प्लान ये नहीं करते कि अगर उनके पास कितने दिन हैं उसके हिसाब से वो कहते हैं जी मरी भी देख लें हुंजा भी देखने स्कर्दू भी देखने जबकि ये सारी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अच्छा जब आप टूर गाइड के पास जाते हो तो वो आपको यही बताता है पहले वो आपका बजट पूछता है फिर ये देखता है कि आपके पास कितने दिन हैं उसमें कितना एरिया अच्छा आप लोगों के दिमाग में पता है क्या एक चीज बनी है उनके दिमाग में ये चीज बनी है कि भाई टूर गाइड तो फिर वो अपना पैसे भी रखेगा तो महंगा पड़ेगा तो उनको ये नहीं पता महंगा होगा। नॉर्मली क्या करते हैं लोग अपने होटल देख लिए गूगल पे जाके और उसके बाद वो ट्रेन से आए या वायर आए स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जो ट्रांसपोर्टर खड़े होते हैं वो इस वक्त टूर गाइड बने हुए हैं वो इस वक्त टूर ऑपरेटर बने हुए हैं क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ और वो जिस तरह से गाइड करते हैं उनके अपने कमीशन होते हैं उन होटल्स पे okay. वो कैसा ही हो आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है इट्स वेरी डर्टी आप घूमने फिरने जा रहे हो और सफ़र का एक मतलब ये भी होता है आपकी आबो हवा चेंज हो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है दूसरा आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छा खाली ये यहाँ नहीं होता ये वेस्ट में भी होता है वहाँ के होते हैं टूर गाइड क्या कहते हैं चले मैं आपको फलाना म्यूजियम लेके चलता और वो ले गए और पता नहीं म्यूजियम क्यों लेके रहा अच्छा मैं कंपनीज में लेके जाते हैं उनके कमीशन होते हैं क्योंकि डायमंड्स की शॉप दिखा रहे हैं मैंने कहा हमने नहीं खरीदने मामा पर वैसे नहीं है अच्छा वैसे कभी कभी एक्सपीरियंस अच्छा भी हो जाता है। फॉर्चुनेटली मैं गई थी तो मैं ये बाकू गई थी तो हम तो टूर गाइड के पास के थ्रू ही गए थे क्योंकि जाहिर है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा नहीं नहीं टूर गाइड वो वाला जो टूर ऑपरेटर या गाइड ऑपरेटर वो होता है जो बस वाले को पकड़ा चले वो टूर गाइड होता है टूर गाइड हाँ टूर ऑपरेटर वो है जो टोटली सारा प्लान करता है अच्छा अच्छा वो टूर ऑपरेटर टूर गाइड वो है तो वो राजू गाइड होता है जो कहते हैं चल बाजी हम आपको सस्ता दिला रहे हैं वो राजू गाइड नहीं वो टैक्सी भी वहां आपको टैक्सी वाले भी ले जाते हैं कि चलो हम आपको ये दिखा देते हैं आप इतने पैसे दे दें तो हम आपको ये चीजें दिखा देंगे और वो अच्छा वैसे बाहर थोड़े बहुत लोग वैसे बैंकॉक में ये बहुत होता है हमारे यहाँ पे लोग जो नहीं नहीं भाई हमारे नॉर्दर्न एरिया में हमारे यहाँ भी बहुत ऑनेस्ट लोग हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते ना क्योंकि एक शख्स जो जैसे आप स्टेशन से निकल रहे हो जो गेट से निकल रहे हो वहाँ पे भी उसने जो अपनी
लाइन फिट की हुई है तो वो उसको अंदर आने देता है वो, आप जो भी क्लाइंट आ रहे हैं। एक सवाल का मुझे आप जवाब, बहुत सारे लोग अक्सर अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं हिल एरिया की तरफ, क्या वो सही है ज्यादा या वहां से जाके हम लोग लेके लोकल बंदे को हायर करके जाना सही है, ये सवाल है। आपने ये बात कही थी और मैंने सोचा था वहाँ बैठे हुए कि मैं इसका आपको जवाब दूंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट के पैसे बचाने के लिए, लेकिन वो पैसे बचते नहीं हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग टोटली डिफरेंट, स्नो पे ड्राइविंग टोटली डिफरेंट टेक्निक है उसकी, तो और उसकी गाड़ियां और पहिए भी अलग होते हैं जो स्नो पे चलती है, और उसकी तमीज ही अलग होती है, बिल्कुल वो सेंस अलग है। दूसरा आप एंजॉय करने जा रहे हो तो जब तक आप खुद नहीं देखेंगे हाँ, तो आप बिल्कुल कैसे एंजॉय करोगे, और फैमिली अलग कॉन्शियस होती है, तो बहुत डर लगता है। मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया ना, वो कह रहे हैं मैंने तो ये ट्रिप वो वाला एक ट्रिप हमारा जो मुंता वाला था, वो कह रहे थे यार मैं तो ड्राइव ही करता रहा हूँ, आपने कहा ना कि जैम हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि लोगों को आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से टर्निंग करनी है। टर्निंग पे आके तो स्पेशली आप देखो टर्निंग से पहले ट्रैफिक जैम हो जाता है, जबकि वहाँ का जो लोकल ड्राइवर है जो इस्लामाबाद में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, मैं कराची से भी जाते हैं, मेरे मैं एक्चुअली ग्रुप्स पे काम करती हूँ। आपने सादिया कहा ना कि आप पहले इंजॉय करती थी शादी से पहले फ्रेंड्स के साथ और बाद में फैमिली के साथ, मैं ग्रुप्स जो बनाती हूँ उसमें दोनों फ्लेवर आपको मिल जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं इतना फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, और फैमिली तो आपके साथ होती है तो नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तियां होती हैं और बहुत कुछ सीखता है आदमी ग्रुप में, एक थोड़ा सा सर्वाइव करना एक दूसरे के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस अ पार्ट ऑफ एजुकेशन आल्सो। हम दिखाते हैं कि रबाब जब गई थी वेकेशन पे तो उसकी पिक्चर्स हम कुछ शेयर करते थे, जब आपको किसी की पिक्चर्स देख के ना आपको खुद क्रेविंग होती है, चलो चलो भाई निकालो बेचो तुम अपने दो कड़े। हाँ जी रबाब तुम बताती रहो साथ साथ सवाल भी करते रहेंगे। ये हम लोग रास्ते में एक जगह पॉइंट पे रुके थे जब हम मुंजा जा रहे थे, अच्छा तो ये बस वहाँ पे हमने एक स्पॉट बस खुद ही रुक गए थे कि यहाँ पे उतर के पिक्चर्स खींचेंगे। ठीक है ये हुंजा की है? नहीं पहले उससे पहले है, ऑन द वे से पहले रास्ते की। जी तो खूबसूरत है और ये सिरीपाए ऊपर है ना ये वहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। जी अलग अलग वो मिक्स हो गई ना पिक्चर्स, वो सारी पिक्चर्स मिक्स हुई हुई है, मुझे मालूम था कि वो मिक्स हो जाएंगी सारी। अच्छा मुझे तो पता ही सारी पिक्चर और हुंजा अलग है, ये वो सब अलग अलग पिक्चर्स है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, वो इतनी सारी पिक्चर थी। ये झील सैफलमल झील सैफल सुनो मुझे तो डर लगता है घोड़े पे बैठने में। जरूर बैठो हम भी बैठे। ओह माय गॉड रबा अच्छी लग रही है। ये तुम्हें याद था कहाँ थी? ये है चाइना बॉर्डर ऊपर ये, हाँ ये वाली हुंजरा यस जी जी ये फिर बीच में। अच्छा एक मिनट जरा यहाँ रोकना, पीछे जाओ जरा पीछे जाओ, ये दिखाओ क्या नाम बताया जगह का? ये चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर हुंजरा। हुंजरा का बहुत लंबा रास्ता है हुंजरा जाने का, बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। नहीं डिफिकल्ट तो नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है, अब रोड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान चाइना बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है, और इतनी ठंड होती है वहाँ पे। अच्छा इसका रूट क्या है, ये कहाँ से लेते हैं? इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से हम पहले जाते हैं गिलगित, गिलगित से हुंजा जी, अताबाद जी जी बिल्कुल। तो हम स्टे करते हैं अताबाद में, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स खुले हैं और वहाँ स्टे करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद से अगर मैं पूछती हूँ और अगर जाना है हुंजराब तो हुंजराब जाने का टोटल रास्ता कितने घंटे का है, कुछ आइडिया है आपको? इस्लामाबाद से डायरेक्ट तो नहीं तो? जा सकते, ये पूरा 7 days का ट्रिप है, कम से कम आपके पास 7 दिन होना चाहिए तब आप हुंजराब तक पहुंच सकते हो। अच्छा तो आपको लगता है कि हुंजराब पहुंचने के लिए रुकते रुकते जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। अच्छा अगर कोई और नजदीकी फ्लाइट कौन सी हो सकती है? गिलगित कराची लाहौर और क्वेटा पिशावर सब जगह से, सब जगह से आप जा रहे हैं। और गिलगित से यहाँ कितनी देर में पहुंचेंगे? गिलगित से तो 2 घंटे की ड्राइव है, 3 घंटे की नहीं, हुंजराब से गिलगित से हुंजा जो है वो है 1.5 से 2 घंटे और वहाँ से फिर तकरीबन ये 2.5 घंटे का है। अब रोड बन गई है तो 2 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा तो ये मतलब जैसे तुम्हें याद है कि तुम हुंजराब गई थी तो उस वक्त कहाँ कहाँ गई थी,
काफी जगह अलग, बीच में रुकते रुकते हम लोग हर जगह गए थे। अच्छा, तुम लोग रुकते गए थे। हमने एक या दो दिन का टूर लगा था इस तरह रुकते, यहाँ पहुँचने में। हाँ, यहाँ पहुँचने में हमें हाँ दो दिन लगे होंगे। और तुम कहाँ से? तुम्हारा हुंजा से ओरिजिन किधर था? हुंजा रुके थे हम लोग। अच्छा, हुंजा रुके थे। से आगे फिर मतलब वो एक बायकार में बस फिर निकलते निकलते। अच्छा, निकलते। और फिर तुम खुजराब आके कहीं रुकने की जगह? नहीं, नहीं, बस नहीं, ये तो आप बस जाते हैं पिक्चर्स वहाँ पे लेते हैं, बस स्टे की कोई जगह नहीं है यहाँ पे जो मैंने देखी। खैर मैं खुद नहीं गया हुआ यहाँ पे, तस्वीर थी यहाँ पे। एटीएम है तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट अपेरेंटली एटीएम जो है वो भी इधर लगा हुआ है। ओह माय गॉड, चलता है वो अपेरेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट एटीएम है। अच्छा, अब अगर जैसे खुजराब आके कोई स्टे करना चाहे तो क्या उधर लोकल्स रहते हैं? लोकल्स खुजराब में कोई यहाँ पे कोई स्टे की जगह नहीं है? नहीं, उसको अताबाद रहना पड़ेगा। अताबाद में होटल्स भी हैं और हर अताबाद के जरे रस्ते में अताबाद लेक जो लेक है, अताबाद वो इससे तकरीबन मुझे मैं बिल्कुल जीरो पाकिस्तान तकरीबन दो से ढाई घंटे की ड्राइव अताबाद। अताबाद अच्छा, उसकी पिक्चर्स भी हैं। हाँ, दिखाओ आगे बढ़ो। आगे काफी सारे मिक्स, मैंने बहुत सारे बहुत खूबसूरत। लेकिन चाइना ये क्या है? बॉर्डर क्या है चाइना पॉइंट? वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इनके नाम इतने थोड़े मुश्किल मुश्किल है होते तो वो बताते। हाँ, सारी जगहों के नाम। चलो आगे बढ़ जाओ, नहीं आ रहा तो। ये तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर है यहाँ पे जो कि अभी फ्रीज हुआ है। वाई नारांग गई थी मैं जी। हाँ, तो ये नारांग कर रूट से आप जा रहे हो तब वो है जी जी। अच्छा, रस्ते में जी बिल्कुल। ओके, ये दिखाओ जरा, ये हमारी कलाम की है। तीनों लंबे लंबे लो एंगल से तस्वीर, नीचे कैमरा रख के खींचिए। चलो टाइमर लगा के ये वही आ गया, ये वही बॉर्डर है, ये अक्सर खुजराब। खुजराब अच्छा अच्छा। और यहाँ पे एटीएम मशीन, एटीएम यहाँ पे। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं? नहीं नहीं, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं है। क्या कुछ भी यहाँ पे जूस वगैरह मिल जाए, जूस और चिप्स वगैरह मिल जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है ये ऑक्सीजन जो है ना वो, ये हमारी हम लोग जब रास्ते में थे, मरीज जब फर्स्ट हमने रुके थे, हम जैसे ही एंटर हुए थे बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी। ये कहाँ मरी? मरी बस स्टार्ट, हम लोगों ने बस गए थे कि एक हमें बीच में दिन था, हम लोगों ने पहले मरी का चक्कर लगा लिया। अच्छा, तो बस हम लोग वहाँ एंटर ही हुए थे और बर्फबारी शुरू हो गई। हाँ, तस्वीरें बिल्कुल ऐसी नहीं है कभी कभी। तस्वीरें भी कलाम की है। अच्छा, ये झील सैफे मलुक की है, सारी तस्वीरें मिक्स हुई हुई। अच्छा, मैंने नोट ये किया है कुछ लोग तस्वीरें जो खिंचवाते हैं सिर्फ व्यू आता है और वो कहीं दूर खड़े हुए होते हैं, ये देखो। और ये तस्वीर, ये लोग इसको सेंस है तस्वीरों की, तो ये इसको आना चाहिए प्रॉपर नजर। ये तस्वीर बहुत अच्छा फ्रेमिंग हुई है। ये किधर है? ये भी एक स्पॉट है ऊपर हुंजा पे। अच्छा, आगे। हाँ, तो ये काफी ऊपर जाके, अब वो फोन करके मियां से पूछा। इतनी सारी जगहों पे हम लोग गए थे। हाँ, कि वो वाकई मुझे जो ये है वो मरे वाली बर्फ है? नहीं नहीं, ये कलाम है। अच्छा, ये कलाम चल रहा है। ओके, ये वही चल रही है। ये हमारा ग्रुप साथ गया था, हमारे सारे फ्रेंड्स गए थे। हाँ, नहीं नहीं, 19 19 हाँ 19। अच्छा, ये वाला टूर जो था तुम्हारा, ये पहले था? तुम पहले इस्लामाबाद गई या नहीं, या कराची से ही गाड़ी से गए थे? कराची से ही गाड़ी से गए थे। अच्छा, आप कराची से हम लोग सीधा गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कितने घंटे का रास्ता याद है आप बता सकती हैं? कितने घंटे का रास्ता कराची से इस्लामाबाद? 18 आवर से भी ज्यादा का, बीच में 18 घंटे है वहाँ, तकरीबन 5 घंटे और ऐड कर तकरीबन 23-24 घंटे। हाँ, अच्छा, ज्यादा ही लग जाते हैं। हाँ, बीच में स्टॉप करते हुए जाते हैं। हाँ, करते हुए। ओके, थकी नहीं थे? थके थे यार। हाँ, हाँ, थके थे, बहुत थकन हो गई थी। हाँ, इस पे भी, इस पे भी मैं बात करूंगी। अच्छा, सुने पेट्रोल कितना लगता होगा इतने में? ये कुछ अंदाजा है कितना पेट्रोल? ये तो मर्द को पता होगा पेट्रोल कितना। मतलब फॉर इंस्टेंस अभी मैं उनको सोच रहा था ट्रैवल करने का, क्योंकि कुत्ता लिया है उसको, अब लाहौर लेके जाना है तो वो बाहर नहीं ले जाने दे रहे। सो जो मैंने सुना है वो ये है कि 15,000 से 20,000 आपकी अपनी गाड़ी पे लग जाता है, क्योंकि अराउंड कोई 1200 किलोमीटर यानी आना जाना अगर हम गिनते करें जाना तो 40 से 50,000 का।
खाना पीना सब कुछ नहीं नहीं 40 से 50 हजार का पेट्रोल की बात पेट्रोल आई थिंक आपको कम, कोई 30-35 हजार का लगेगा बट हाँ फिर बीच रास्ते में खाते पीते रहेंगे तो उससे आपका तकरीबन इतना बजट होगा। मगर आप स्पॉट अगर बना लें जैसे इस्लामाबाद में एक ट्रिप में जो हमारा लास्ट ईयर हुआ था वो हमने इस्लामाबाद में गाड़ी छोड़ी और फिर हम लोगों ने वैन की और फिर वो हम आगे गए वहाँ पे क्योंकि हम लोग सारे लोग इकट्ठे ही जाना चाह रहे थे कि वैन हम लोगों ने कराई एक बड़ी सी कोच और उसमें हम लोग। लेकिन अगर आप ये देखें ना एयरलाइन के टिकट भी आपको कभी 40 और इस तरह के तो मिलते हैं, वो महंगा पड़ता है तो एक बंदे का टिकट होता है। वही तो कह रही हूँ वो महंगा पड़ता है। ये आपको वाकई अगर आपके पास दिन ज्यादा है पैसे कम है तो आप इस तरह अवेल कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ये हैदराबाद और वो सक्कर का जो मोटरवे का पैच जिस दिन वो कंप्लीट हो गया तो वो तो और शॉर्ट हो जाएगा। बहुत सुकून मिला, बहुत आसानी करती है। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल आपसे नेक्स्ट सवाल कर रही हूँ। जैसे इस्लामाबाद ये गए ठीक है, अब ये जो इन्होंने टूर बनाया है आप क्या बोलेंगी कि इस्लामाबाद से किधर जाएं फिर किधर जाएं फिर किधर जाएं? सारी डायरेक्शन डिफरेंट जो जाती हैं। नहीं ये वाला टूर बताएं ना ये। अच्छा गिलगित नारायण कागान गए हम लोग, शुग्रान गए, मतलब इस तरह करते हुए आगे 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 ना। उसमें अगर आप नारायण जा रहे हैं ये अलग डायरेक्शन है, वो अलग डायरेक्शन है। नहीं ये दो रास्ते हैं और मालम जब्बा एक अलग डायरेक्शन है। कंफ्यूज नहीं करते ना वो करते हैं। गिलगित आप जा रहे हो इस्लामाबाद से तो फिर आप जाओगे बिशाम चेलास से होते हुए गिलगित जाएंगे और अगर आप नारायण के रास्ते जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद नारायण वो तकरीबन आजकल 7 घंटे हजारा मोटरवे की वजह से और उसके बाद फिर वहाँ से आप जाते हैं तो वो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है गिलगित का। लेकिन आपको पता है कि ये जो रूट है वो अक्सर जो है वो वेदर की वजह से वो रोड बंद होता है नारायण का। और अगर आप नारायण जा रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नारायण की साइड पे और शोग्रान कीजिए आप, सिरी पाए है फिर उसके बाद अगर झील सैफल मलूक है, लालाजार है, सो मैनी साइट्स हैं ऑलरेडी नारायण के साथ तो व्हाई आर यू गोइंग टू अनदर वे। तो आप ये कह रही हैं कि एक टूर जो है वो ये प्लान करो नारायण हमने ऐसे किया था। एक टूर हमने ये प्लान किया था फिर एक टूर हमने ये डिफरेंट साइड प्लान ये तो मतलब वो साल भी अलग था। हाँ ना एक दफा मैं रिपीट करती हूँ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक दफा में आप नारायण कागान शुग्रान नारायण कागान शुग्रान शुग्रान झील सैफल ये पूरा स्ट्रेट रोड है सिरीपाए लालाजार ये भी आपको 7-8 दिन चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और दूसरा ट्रिप क्या है? दूसरा ट्रिप आप अगर आपके पास 15 दिन है तो फिर आप नारायण से पूरा ये ट्रिप खत्म करने के बाद एक रास्ता है आप चित्राल के नहीं अभी हमें 15 दिन नहीं 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 दूसरी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके पास चित्राल कैलाश की वो भी आप 7-8 दिन चाहिए। अच्छा फिर आपको अगर क्या क्या हो गया चित्राल कैलाश वो उंझा दीर बहुत अच्छी जगह है बीच में क्या ब्यूटीफुल दीर अच्छा स्पेल करें दीर डी आई आर दीर। अच्छा और ये पूरे रोड यानी आपने इसी से जाना है इसी से वापस फिर अताबाद लेक भी आपको फिर आप कलाम भी चले जाए। अच्छा ये वाला रिपीट करेंगे हम ये वाला ना मुझे समझ नहीं आया इतना ये वाला जो आपने सर्कल बताया चित्राल के गेट वगैरह का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आपका टूर अब हम प्लान कर रहे हैं आप बस सामान बांधिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, सामान बांध दिया मैंने कहा शायद ब्रेक के दौरान ही बांध दिया होगा कि चलो बच्चे स्कूल से आए और फौरन उनको सरप्राइज दें और चलें। देखिए भाई अभी हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। एक चीज जाने से पहले हम बात करे थे एक तो रूट की, आपने एक रूट तो मुझे बता दिया अब दूसरा रूट भी बताएं कि वो कौन सा रूट है इस्लामाबाद से गिलगित उंझा के लिए। हाँ। जी उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा बिशाम ठीक है चेलास। हाँ। और फिर उसके बाद वहाँ से आप पहुँचेंगे उंझा। अच्छा और फिर
बेहतर ये होता है कि मैं हुंजा में पहले स्टे नहीं कराती. अच्छा. मैं डायरेक्ट अताबाद ले जाती हूँ. अच्छा. अताबाद में स्टे करें आप. हाँ. वो उस लेक को बहुत खूबसूरत लेक है. हाँ. उसको एंजॉय करें. सेकंड डे जब अताबाद के करीब वो एक वो छोटे छोटे उन्होंने एक गूगल ही कहते हैं. गूगल कहते हैं. वो कम है वहाँ पे सात आठ है बस. एक्चुअली वो स्मॉल कंटेनर्स हैं उसके रूम्स बनाए हुए उन्होंने और बहुत खूबसूरत रूम्स बनाए. मैंने देखा मैं तो हैरान रह गई. हमें जगह नहीं मिली वहाँ पे स्टे करने. वो इस वक्त सिर्फ सेवन है ना. फुल था वो बस कम ही है. सेवन है खाली सात है. और क्यों नहीं बना के साथ अब बहुत सारे होटल्स बन गए. साल बहुत सारे होटल्स. अच्छा उसमें उसमें रहने का तरीका क्या होता है कैसे बुकिंग कराते हैं. वो उनकी वेबसाइट है. हाँ. उससे हाय काश मैंने गलती हो गई मैं वो तस्वीरें निकाल लेती. तस्वीरें नहीं निकाली. हाँ, हाँ. और लोगों को क्या पता कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं. वो कैंपिंग पॉड्स भी कहते हैं उनको. अच्छा कैंप बिल्कुल झील है और झील के बिल्कुल किनारे पे ट्रांसपेरेंट कैंप्स हैं. बोट पे जल्दी से जाते हैं. बोट पे जगह का नाम होता है दोबारा अताबाद. अताबाद लेक के पास उसे गूगल कह रहे हैं आप लोग. हाँ, वो कैंप्स कैंपिंग पॉड्स कहते हैं. ट्रांसपेरेंट कैंप्स होते हैं ना. ट्रांसपेरेंट कि आप सुबह उठे तो आपको सूरज की पहली किरण के साथ ओ हो झील नजर आती है. झील नजर. सर्दी नहीं लगती उसके अंदर. आप रही हैं वो बिल्कुल जैसा होटल है इस तरह का. उन्होंने सारी नहीं सर्दी नहीं होती इतनी दी हुई है. होती है बट इतनी नहीं होती. अच्छा अब जैसे सीजन है तो कितने अर्से पहले बुक कराना पड़ता है कुछ आइडिया. डिपेंड करता है. अब जैसे उन्होंने तो मुझसे खुद कांटेक्ट किया एज अ टूर ऑपरेटर. अच्छा. तो मैंने अपने पूरे ग्रुप की बुकिंग कराई. पूरे साथों जो उनके रूम्स थे वो फैमिली रूम्स हैं वो. अच्छा मतलब एक गूगल में या एक कैंप में उसमें ट्रिपल भी लोग दो लोग भी आ सकते हैं और एक मैट्रेस की जगह है. कितना सा लग रहा था. हाँ, नहीं, लेकिन वो कंफर्टेबल है. टॉयलेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब चीजें जस्ट लाइक अ होटल. और मुझे तो बल्कि अताबाद की तो जब से हमारी ही जिंदगियों में ये लेक बना है सामने हमारे. हाँ. आज से कितने साल पहले. और नीचे अपेरेंटली एक शहर भी था जो कि अच्छा ये शहर के ऊपर बन गया. इधर इसी जो अताबाद लेक है यहाँ पर ही मैंने एक दो रिजॉर्ट्स भी देखे हैं. हाँ. लग्जिस के नाम से. वो ये फाइव स्टार होटल है. सूरत आप खिड़की खोले. मैं किसी मैंने यूट्यूबर का देखा था वीडियो. वो खिड़की खोले और खूबसूरत आपके सामने व्यू है. कहते हैं वो फाइव स्टार है. फाइव स्टार है. लेकिन अभी मैं लास्ट टाइम गई बड़ी मजेदार. मेरी उनसे ये डिस्कशन हुई थी कि वो थोड़ा सा टेक्निकली आप जब जाते हो तो होटल बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. वो नहीं है. वो चूंकि माउंटेन पे बना हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे तक जाना पड़ता है. ये बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ उतर के अपने रूम तक जाना पड़ता है. तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप एक लिफ्ट तो लगाइए. तो उन्होंने कहा था हम इस पे सोचते हैं. नहीं करना चाहिए तो बहुत जरूरी है. एक्सपेंसिव है. और बुजुर्ग भी तो जाते हैं ना घूमने के. पाकिस्तान पर भी चले. अम्मी आप भी चले. चलिए वो तो जाते हैं उनके. काफी एक्सपेंसिव है. अच्छा अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या खुंजराब इतना खूबसूरत है कि इतने घंटे ट्रैवल करके हम चाइना बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पहुंचे. उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप साल के 12 महीने में जब भी जाओगे आपको स्नो मिलेगी. ओके. और वो जो गर्म खित्ते में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल. लेकिन ये कह रही थी ऑक्सीजन की कमी होती है. बिल्कुल. वो चूंकि इतनी हाइट पे आप जाते हैं उसकी टिप्स हैं कि आप अगर ड्राई एप्रिकॉट यानी खुश्क मेवा खुबानी जो है वो आपके पास हो और आप ट्रैवल करते हुए उसका एक पीस खा लें दो पीस खा लें तो ऊपर पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं वो महसूस नहीं है. जो वो खुश खुबानी होती है. खुश खुबानी जी बिल्कुल. और वो वहाँ बहुत मिलती है. वो बहुत मिलती है. तुम जब हुंजा से तुमने कहा कि मैं गए तुम्हारे हस्बैंड ड्राइव करके गए थे तो कुंजरा पाँच घंटे लगे थे. अच्छा अब हम तस्वीरें दिखाएं प्लीज. तस्वीरों पे चले. हेलो. अच्छा 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 अच्छा. उसको इग्लू होटल कह रहे हैं. इग्लू. हाँ गूगल नहीं कह रहे. इग्लू कह रहे. हाँ हाँ सही कह रही हूँ. इग्लू होटल कह रहे क्योंकि मैंने भी जब सर्च किया था. तस्वीर दिखा सकती हूँ उसकी यार. उसका जिक्र इग्लू. वो डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी. ये डिफरेंट एडवेंचरस. मुझे लगता है जब आप बच्चों के साथ जाए होटल में तो रहे लेकिन आप बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ कैंपिंग कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कैंपिंग में कितना मजा आता है. ये फॉर इंस्टेंस डीर की अभी आप बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने
ये बहुत सारे उन्होंने कैंपिंग और वहाँ पे दीर के करीब एक फॉरेस्ट है जो कि सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं और उसके अंदर उन्होंने इस तरह की जगह बनाई, बहुत खूबसूरत जगह। जैसे लाइक मेरे बच्चे जो है ना वो इतना तैयार नहीं होते कि नहीं हम नहीं जा रहे वो, लेकिन जब मैं उन्हें बोलती हूँ कैंपिंग है एडवेंचर है सो वो एकदम तैयार हो जाते हैं, वाओ कैंप पे सोएंगे स्लीपिंग बैग में सोएंगे, सो वो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज है। ये मैंने अभी तक नहीं किया बट मैंने पाकिस्तान व्यू तो देखें, आगे बढ़ो ना यार, इग्लू दिखाओ। इधर अब स्नोफॉल हो रही होगी जी, बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं ना, अब तो रास्ते बंद हो जाते हैं अक्टूबर से रास्ते। हाँ एक ये इम्पोर्टेंट सवाल, भाई बहुत घबरा रहे हैं लोग, घबराते भी हैं, रास्ते बंद हो जाएंगे तो फंस जाते हैं, बहुत दफा ट्रैफिक में फंसे भी हैं, थोड़े गिर गए बर्फ, उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी है इस वक्त बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है और डेली की जो है रोड साफ होती है। अच्छा इस वक्त तक बहुत हैवी हो जाती है, 11-11 तक जाती है तो माइनस इलेवन ओके, लेकिन इस वक्त जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग है। हाँ। तो अभी तो प्रॉब्लम कैन गो। हाँ और बर्फबारी होती वैसे किन दिनों में? पंजाब में तो आप साल के 12 महीने नहीं, वो जो स्नोफॉल वाली चीज है वो। हाँ वो दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में कभी भी मिल जाती, कभी भी मिल सकती है दिसंबर में, मरी में तो कल। अच्छा पंजाब आप दिसंबर में जा सकते हो चुकी है। वो जो मेरी तस्वीर में चाइना बॉर्डर वाली दिखी वो अगस्त की थी, अगस्त है। हाँ। वो आप नहीं जा सकते दिसंबर में, रास्ते बंद हो जाते हैं अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर में वहाँ के रास्ते बंद है, वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते आप। ये वो मेरी अगस्त की पिक्चर है जो कि कितनी ठंड और बर्फ पड़ी हुई थी। दिसंबर में तो नामुमकिन है वहाँ जाना। अच्छा बाकी आप मालूम जब आप दूसरी जगह जा सकते हैं दिसंबर में, वो हम दिसंबर में गए थे। अच्छा तो ये देखिए ये भी बहुत जरूरी है चीजें सुनना कि आपने किस महीनों में किधर जाना है। बिल्कुल आप चले जाए रस्ते बने आए हैं प्लानिंग खराब हो गई, नहीं होमवर्क करके जाए ऐसे नहीं जा सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि ऑफ एयर भी हम ये बात करते हैं कि आप जितनी मर्जी तस्वीरें खींच लें जो एक्चुअल जो चीज जो देखने का वो वाकई में फर्क है। वो आप मतलब माउंटेन्स हमें लगते हैं अच्छा ये तो हैं, वो जो साइजेस हैं माउंटेन्स के आप वो देख के कहते हो कि यार ये कितनी कमाल चीज है। सो वो जो आपकी नजर जो चीज देखती है ना वो इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। पीसफुल होता है और वो तीन दिन आपने चार दिन है आपको लगता है आप अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गए हो, इतनी ताज़ा आबो हवा होती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, फ्रेश हो जाता है। अच्छा देखिए जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं खाना एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है घूमने की, सो इन जगहों पे हमें खाने में क्या क्या चीजें मिलेंगी? सब चीजें मिलती हैं जैसे वैरायटी, लेकिन खासकर ये जो पट्टी है गिलगित हुंजा इसमें नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं वो नहीं मिलते, जैसे दाल चावल चिकन कढ़ाई बिरयानी ये नहीं, ये बहुत ज्यादा आपको इजीली जैसे यहाँ कहीं पे भी आप चले जाएं और बाकी एरियाज में जैसे हमारा बिरयानी खाने का दिल बहुत हाँ तो वो डब्बे बना के ले आपको आना पड़ेगा हुंजा। हुंजा के कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ मिल जाएगा आपको। अच्छा लेकिन आपको ये अताबाद और हुंजा में भी बहुत आसानी से नहीं मिलता। पिज्जा वीजा भी कहीं नहीं मिलता है अभी तक वहाँ पे, कोई पिज्जा चिकन वगैरह क्योंकि एयर प्रेशर कम होता है तो वो उसको गलाना उसको बहुत टाइम लगता है। हाँ। एक्स्ट्रा टाइम लगता है कुक करने में भी वहाँ तो तभी ऑर्डर बहुत देर से आते exactly. हाँ, देर exactly. से आते हैं मगर होटल्स अच्छे बन गए जहाँ पे बुफे भी लगे हुए होते हैं और बहुत सारे जिस तरह अगर आप अपना स्टे हुंजा में बना लें तो आपको वहाँ सब मिलेगा। अच्छा फिर आप अताबाद के लिए निकल जाए वहाँ से अपना एक टूर बनाए और फिर वापस आके आप हुंजा में तो वही टाइमिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना सारा। मजे की बात ये है कि जो आपके फॉरेनर्स आते हैं तो वो अपना कैन वो तो एक तो खाने पे उनका इतना ज्यादा फोकस ही नहीं होता। हाँ। और वो जो भी होते हैं वो बहुत कम अपना खाना वो भी कैंड लेके आए होते हैं वो उसी में से खा रहे हैं एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड। जैसे अक्सर हम लोग भी जैसे कभी यूरोप टूर पे गए हलाल की वजह से और हमारे बच्चे निहारी के शौकीन होते थे मतलब बलाज बचपन से निहारी और वो उसको पाए और वो बिरयानी पसंद थी सो हम फ्रांस जो है वो डब्बे बना के लेके गए। अब फॉरेनर्स की जो आप बात कर रहे हो तो उनको हमारे खानों की बहुत मजा लग गया कहना चाहिए
इन्होंने कहा कि वो फॉरेन सब जो यहाँ आते हैं उनको हमारे खाने बहुत पसंद आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं। और ये पूरी पट्टी इसमें बहुत स्पाइसी क्या खाते ज्यादा ये गोश्त खाते हैं वहाँ पे मिलता है डिफरेंट 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 चीजें होती हैं एग्जैक्टली जो शौकीन हो हम जैसे तो मारे जाते हैं हमारे हस्बैंड तो कहेंगे चर्बी में पकाए चर्बी हाँ कौन सा गोश्त होता है वो रोश 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 चपली कबाब बड़े मशहूर है जब हम मैं गई थी जिस जमाने वो पिशावर साइड पे है चपली कबाब अच्छा वो यहाँ पे भी मिलते हैं आपको रास्ते में हम लोग भी देसी मेरे मियाँ भी काफी शौकीन है खाने के तो हम लोग चर्बी में पकी हुई कढ़ाई वो वाली बोटी चर्बी बोटी चर्बी बोटी और पता नहीं क्या क्या मगर अच्छा बच्चों को क्या खिलाएं बच्चों के लिए क्या वो तो हमें फलाना इस बर्गर खाना है नूडल्स वगैरह या बर्गर्स मिल जाते हैं आप सारे होटल्स अच्छा देसी टाइप बर्गर देसी टाइप अच्छा लेकिन बच्चों की भी बड़ी चॉइसेस होती हैं क्या जैसे मेरा बेटा है ना उसको जब वो जहाँ भी जाता है वो कहते हैं मुझे पराठा अंडा और शोरबा चाहिए अल्लाह अब ये है कि हमने जैसे ट्रैवलिंग स्टार्ट की है ना नॉर्दर्न एरियाज में तो उसको मैंने जरा ऑमलेट का यूज टू कर दिया तुम्हारी पिक्चर्स देखते हैं फिर तुम बताती रहना साथ। हाँ भाई आज हमें सादिया की पिक्चर्स दिखाई है सादिया की नहीं मिले तुम्हें इग्लू अच्छा ठीक है अच्छा ये मेरे हस्बैंड है ये हम लोग नथिया गली में हम लोग हाइकिंग कर रहे थे ओके तो ये देखिए ये अल्पाइन होटल है जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ इतने पेट्स रखे हुए हैं और तो खड़े होके देखो मुझे लाइट जगह है क्लियर अच्छा ये अभी हमने किया था कोई 2 महीने पहले और मौसम बहुत अच्छा होता है ये बहुत तुम कब अच्छा उफ गर्मी में भी अच्छा ये कागान का है अच्छा ये हम कागान थे वाटरफॉल पे ऊपर ऊपर चढ़े हुए थे और ऊपर जाना बहुत पानी ये वही है जिसमें चारपाई लगा के बैठते हैं उसमें वाटरफॉल वहाँ पे भी हम गए थे वो भी है वो कौन सी जगह है वो रास्ते में आता है वो रास्ते में आता है जगह आ रहा है वो मतलब हाँ जी चारपाई और वहाँ पे ना ढाबा सा लगा हुआ है वहाँ पे चने की दाल और आपको रोटी गरम गरम मिलते हैं हमने वो बड़ा अच्छा मौसम था हमने पकौड़े और लोकल फिश भी बहुत अच्छा लोकल फिश भी होती है मीठे पानी वाली मीठे पानी हाँ मीठे पानी वो तो बड़ा अच्छा स्पॉट है जो चारपाई होती है ना बीच में पानी के बीच में सब्जियाँ कौन सी मिलती हैं हमें इन इलाकों में जैसे कौन सी ज्यादा सब्जियाँ खाई जाती हैं सब्जियाँ वहाँ पे लौकी बहुत है टिंडे होते हैं अच्छा और उनकी खास हर जगह की जो है डिफरेंट पालक है अच्छा तो वो होते हैं पालक भी खाते हैं लोग बीन्स बहुत है स्पेशली आप हमसे साइड पे जाइए हर घर बीन्स उसमें लोबिया आपको हर घर में मिलेगा हर फसल के साथ उन्होंने व्हाइट एंड रेड लोबिया लगाया होता है अच्छा और वो उनके डेली कुछ और बने ना बने लोबिया जरूर वो खाते हैं आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी हेल्दी है वो वहाँ के लोग बहुत मेहनत कश होते हैं भाई वहाँ जो लोकल्स हैं सारे अपने काम खुद कर रहे होते हैं अच्छा ये क्या है बताओ सादिया अच्छा ये हम वही होटल में थे और ये हम ब्रेकफास्ट करते थे ग्रीन ग्रीन तो आप ये इसी इसी की मैं आप बात कर रही हूँ ना ये तो मस्ट विजिट जगह है ये कसम से यकीन माने मैंने स्विट्जरलैंड का टूर किया हुआ है स्विट्जरलैंड का ये है कि उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है नेचुरल ब्यूटी इतनी है हमारी वो इतना खूबसूरत व्यू है बहुत प्यारा है ये नथिया गली का है ये होटल का है और ये हमारे उसके फुल तैयारी रूम के बाहर पैटियो था ये वहाँ का सारा व्यू है ये हम वही रास्ते में रुके थे पानी बच्चे को मजा आया बहुत मजा आया उसको तो उल्टियाँ उल्टियाँ तो नहीं फिर नहीं काफी लोगों को होती है क्या करती हैं आप अगर रास्ते में जब आप लोग बस में एक साथ जा रहे हैं और किसी को नौजिया फील होता है तो कोई टिप है उसकी लेमन ड्रॉप्स वो रख फ्रेश लेमन रखे अपने पास और शॉपर रखे और अरे ये किधर है यार ये किधर है मुझे अच्छा ये थी ये भी लेक ये भी लेक पे ये अकबर लेक पे भी है ये हाँ। तो कलाम के रास्ते में भी और जब आप नारायण से कागान के रास्ते में नारायण से जब आप जा रहे हैं तब भी है इतना ठंडा पानी तो ये राफ्टिंग करते हैं आप लोग हाँ जी की थी बड़ा मजा आया था बड़ा बहुत डर लगा था बेटे को मेरे बहुत शौक है किए मैं तो हमने किया अब बहुत कॉमन है जगह जगह मिलेगी आपको ये भी अच्छा था बहुत खूबसूरत अच्छा ये तो बड़ा एडवेंचरस है ये तो बहुत प्यार है ये वो है ये लेक है कौन सी लेक पता नहीं मुझे याद नहीं एरिया बताइए कौन सा एरिया ये था कागान ये अताबाद लेक लग रही है मुझे
ये नारायण का गान जी, ये वो बहुत ठंडा पानी था, पानी तो बहुत सब जगह ये होते हैं। आप एक उंगली भी थोड़ी देर के लिए नहीं डाल सकते, आप बिल्कुल सुन हो जाता है ये। हम बाबू सिर टॉप, हाँ वो भी इतनी ठंड होती है। एक बहुत अहम सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बच्चों का साथ है, उनको तो घड़ी घड़ी जाना है, वॉशरूम जाना है, मेंबर बांध दे। अच्छा, तो ये सब इसका जवाब दे। अब ये फैसिलिटी है, हर रूट पे आपको जी गवर्नमेंट के टॉयलेट भी है और प्राइवेट भी है। क्या पैसे देके जाना? पैसे देके ऑफ कोर्स। और अगर आप जा रहे हो, आपको इतने नहीं है, 50 रुपए 100 रुपए, कोई ऐसे एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब उसकी मेंटेनेंस 20-50 भी नहीं, बहुत कम है, 10-20-20 रुपीज। मुझे खुद, मैं बहुत ज्यादा इस चीज से तंग हूं कि ये जो आपके मोटरवे पे पाकिस्तान, ये जो लाहौर इस्लामाबाद वाले खास तौर पे रूट पे आपको अब 50 रुपए वाले भी टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, जो कि वाकई बहुत अच्छे हैं, वाकई अच्छे मतलब आप एसी लगे हुए भाई अंदर, एसी लगे हुए बहुत, मतलब इंतहाई साफ के, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एज एन एक्टर इसमें सेट पे भी मुझे परेशानी होती कि मैं नहीं जा सकता, पब्लिक मुझे पब्लिक लगता है, वो इतने साफ हैं कि आप जी वो 50 रुपीज जो डेवलपमेंट फॉरेन साफ होती है, फॉरेन सफाई होती है वहाँ पे कि अच्छा ये तो हो गए मोटरवे की बात, मोटरवे हम और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं वहाँ इन एरियाज में भी अच्छे बाथरूम में भी मौजूद हैं, साफ सुथरे हैं, बहुत हाई फाई तो नहीं है, हाई फाई नहीं, लेकिन उस तरह की नीट एंड क्लीन है ऑफ कोर्स विद कमोड। अच्छा ये भी जरूरी है, नहीं नहीं अच्छा वैसे हम गए थे, हमने ये जो भी टूर किया हमें वॉशरूम्स हर जगह मिले, मतलब कोई मेरे बेटे को प्रॉब्लम नहीं हुई, वो कह रही है कमोड भी है, ये भी तो प्रॉब्लम है, मगर वो बहुत गंदे कमोड के साथ गंदे वॉशरूम, मगर मैं कहती हूं कमोड उफ यूज नहीं करें, वो मैं बताऊं नॉर्मली डर्टी कहां होते हैं, नहायत माजरत के साथ लोग इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी ट्रैवलिंग पे, लेकिन वो जो ये इस तरह के टॉयलेट्स बने हुए होते हैं उनको पे करते हुए शोर मचाते हैं। हाँ सही कह रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छा और वो जो इन्होंने हारून ने बात की ना, वो जो पैसे देते हैं आप सकती हो, वो बहुत लेविश किस्म के वॉशरूम है, अच्छा वो इतने ज्यादा हैं भी नहीं, नहीं हाँ। वो इस हर स्टॉप पे मतलब जो पेट्रोल पंप से, सॉरी कि हम सुबह सुबह वॉशरूम्स की बात कर रहे हैं, आगे बढ़े ओके, हाँ आगे आए ये राव सिंह के बाद डरा हुआ था। हाय तुम नहीं गई, तुम गई? मैं गई थी जी, मूंगी पिक्चर्स मैंने दी थी, ये हम कागान में, ये जिस होटल में ठहरे थे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। अच्छा पानी गर्म नहीं आ रहा, गर्म नहीं आ रहा, बुकिंग से पहले ये जरूर पूछा करें, ये जरूर पूछना लगता है बुकिंग जब आप करा रहे हो, आप बिल्कुल पूछें सबसे पहले, ये भी हम हाइट पे, क्योंकि आप सोचे अच्छा जी दो दिन के लिए जा रहे हैं, चलो शावर अगले होटल में ले लेंगे, भाई वॉशरूम भी तो जाना है, ठंडे पानी में क्या जम जाए आप तो बिल्कुल, और गैस का भी पता होना चाहिए उस जगह। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये वो जगह थी जो आप कह रही थी चार पाइयां लगा के, नहीं पाओ नीचे, अब ये पूरी पिक्चर नहीं है बट ये थी। अच्छा एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मैं ब्रेक के बाद उसका जवाब आप लोगों से मांगूंगी, लगेज कितना कैरी करना चाहिए जब आप यहाँ जाएं? दूसरा मैंने बहुत सारे हनीमून कपल को देखा है, वो हीलें पहन के आ जाती हैं, कढ़ाइयों वाले जोड़े पहन के और यहाँ से बैंडाना बांध, बहुत ज्यादा भरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है अब जब मैं पहले गई थी, आप पता नहीं, नहीं है अभी भी है, ऐसे कुछ लोग हैं कढ़ाइयों वाले कपड़े लाल बिल्कुल कुछ घगरे भी, किसकी पिक्चर? अच्छा मैंने कहा हनीमून वालों की पिक्चर दिखाएंगे हम, मुझे ये कह, मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दिखा सकती, एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ भाई तैयारी पकड़े, जाएं छुट्टी मनाएं अपने प्यारों के साथ, और कोई बात नहीं सोने के कंगन बेच दें क्या करना है, हाँ वैसे जी बैंक में पड़े रहेंगे, ना ना पहनने का मौका नहीं मिलता, डकैत आ जाते हैं ले जाते, तो उससे बेहतर है कि वो लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ की वो मेमोरीज हम लोग पूरी जिंदगी जमा करने में लगे रहते हैं, बचा के रख दो बचा के रख दो, यार हमें कब पता हमारी कब जिंदगी कितनी जिंदगी हमारी हमें नहीं पता ना, और जिंदगी एक बार मिलती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने कामों में, फिर आपको वो टाइम नहीं मिलता, सो इसीलिए कमेटियां डालती है ना, जब मैं सोने का सेट लूंगी यार लॉकर में तो रखना है। सो अच्छा जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि जब आप इंशाल्लाह जब आप इस जगह जाएंगे पाकिस्तान टूर पे जाएंगे, सो सामान कितना लेके जाना चाहिए, मुझे सब बताएं अपनी अपनी राय से आगाह करें,
क्योंकि ये लोग तो लेके गए होंगे तस्वीरें खींचने के लिए बहुत सारा सामान. नहीं मैं तो वैसे भी बहुत लेके, मतलब मेरी ट्रैवलिंग तो बाद दो दिन के लिए भी जाऊंगी तो बड़ा सूटकेस पर्स अलग होगा, जूते अलग होंगे, वो सारी चीजें अलग होंगी. मेरे साथ बहुत ज्यादा सामान. तुम लेके गई थी सामान? मैं सामान बिल्कुल लेके गई थी. और सर्दी में तो आपको पता है वैसे ही विंटर्स में सामान ज्यादा होता है कि जी मफलर्स भी हैं तो कोट भी हैं. तस्वीरें खींचे तो फलाना स्पॉट पे रेड वाला पहनेंगे. जी जी जी. मैं तो कहता हूँ ट्रैवल लाइट. हाँ. और ये जो सब नहाने की टेंशन, नहाने की भी टेंशन ले रहे थे, मैं तो कहता हूँ वो भी जरूरत नहीं. तीन दिन यार सुकून कर लें, कोई बात सुने. मैं चाह रही हूँ कि फैमिली करीब आए. ये ना कि फल्ला. अच्छा मैं तुम्हारे को कह, ये दो जीन्स रख लो. हाँ. तीन टी शर्ट रख लो, बस दो जैकेट. हाँ. बस. हाँ. उसमें ट्रैवलिंग हो गई. हम भी ऐसे कर सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज में क्योंकि सर्दी बहुत होती है. ये तो जैकेट ही तो पहननी होती है. जीन्स ले, या चले दो जीन्स रख लें या ट्राउजर रख लें और ऊपर दो तीन चीजें रख लें. लेकिन हमने पिक्चर्स के लिए भाई सर्दी ज्यादा लग रही होगी तो वहाँ पे भी तो दुकान है, वहाँ से किसी बेचारे गरीब की मदद कर देंगे यार, ये जैकेट खरीद लेते हैं तो वो वहाँ से ले लें. जैसे हमने ऐसे किया था वैसे, हम जब गए थे तो सर्दी एकदम बहुत ज्यादा हो गई थी तो हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी. तो ये ज्यादा बेहतर. बेस्ट वे ये है कि आप दो तीन जीन्स या ट्राउजर्स रखिए और ढेर सारी जो लाइट वेट शर्ट्स हैं वो ले लीजिए और वो चेंज कर करके आप फोटोज भी बनाइए और सेंड कीजिए. एक जैकेट. हाँ. जब जब आपने तस्वीर खींच ली हो जैकेट उतारे और कहीं मैं सर्दी में, हमने तो गाना शूट किया है सना जावेद तो साड़ियां पहना पहना के हमने गाना शूट किया जाके जबरदस्त किस्म का. अच्छा दूसरा सवाल मैंने कहा था हनीमून कपल. हनीमून कपल को अगर बीवी को मियाँ को दिखाने के मैं इतनी प्यारी हूँ घर में दिखा दो, कहीं शादी में दिखा दो. हील पहन के क्यों गई थी? देखा है आपने जब आपको देखा है. और आपको तो अपने सफर को कंफर्टेबल बनाना है. शूज खासकर ऐसे होने चाहिए जिसपे आप ज्यादा वॉक कर सको. तो भाई बरी और जहेज में जो है ना अम्मा और मियाँ की अम्मा है वो जॉगर वॉगर नहीं देती. तो अब लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि वो अब ये चीजें लें. नहीं शायद वो नई नई शादी होती है तो उनको नहीं तो यार जाने से पहले शॉपिंग कर ले. नहीं अब हर कोई ऐसे नहीं नहीं वो कह रही जब नई नई शादी होती है दिल चाहता है जर्क वर्क कपड़े के लिए वही ये चीज अच्छा वही दिखाने जर्क वर्क. शादी होते फौरन तो निकल जाते चलो चलो बच्चों जाओ हनीमून पे जाओ. और वो ड्रेसेस जो हैं वो आपकी इतनी सर्दी होती है हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में भी जून जुलाई भी ठंडा होता है वो आप कंफर्टेबल नहीं होती. अच्छा बहुत सारी हमारी खवातीन वो जीन्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं होती, वो शलवार कमीजें और वही पहन के शॉलें ही जा रही होती है. तो अब वो जो शलवार कमीज वाले हैं उनको टिप दें, अगर वो शलवार कमीज पहनने की आदी है उनको जीन्स में सुकून नहीं मिलता वो लेगिंग लेके जाएं, वो लेगिंग पहने और उसके बाद अंदर गरम ब्लाउजेस जो गरम पहने कवर कर सकते वो जरूरी. बिल्कुल थर्मल्स जिसे कहते हैं थर्मल्स पंजाब में तो बहुत मिलते हैं, अब यहाँ पे भी मिल रहे हैं, मिल रहे कराची में भी. हाँ तो ठेले वाले इतने पठान भाई उन्होंने सदर वदर में जैनम मार्केट में. नहीं वैसे आपको अच्छी शॉप्स में भी मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको हर जगह मिल रही है. मैंने तो ठेले से लिए बलाज के लिए. मैंने भी अपने बेटे के लिए लेने में जैन मार्केट जाती हूँ. आपके कराची में शॉपिंग बहुत अच्छी होती है. हमारे लाहौर में शॉपिंग की ऑप्शन बहुत कम है. काम है. चलो भाई हारून की तस्वीरें देखते हैं. आइए भाई. तो बहुत मुश्किलों से मिली है मुझे तस्वीर. हाँ बड़ी जद्दोजहद. ये इसको क्या कहते हैं जब बच्चे बेबी बेबी बैग कैरी कैरी बैग कैरी बैग ना कैरी बैग. हमारे बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए ना भूल गए. अच्छा यार इसमें सुने मैंने वैसे कैरी किया है बलाज को. हाँ. लेकिन हिल एरियाज में कैरी करने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? ये तो बहुत ही लाइट था उस टाइम पे. हाँ सुकून ही था एक्चुअली. मजा आ रहा था. मजा आ रहा था. आप भी गर्म हाथ फारे गए आपके हाथ जेब में वो कंफर्टेबल भी होता है. कंफर्टेबल है. हाँ ये भी तो है ना आप लोग सवाद जा जा के शूटिंग हो रही है. शूटिंग चल जाती है. हाँ. और ये दो वही वाला ट्रिप था दोस्तों के साथ. अच्छा ये दोस्तों वाला है. ये मुक्षपुरी है तो ये दोस्तों के साथ बच्चा भी लेकर गए थे मतलब फैमिली थी ये. ओके बस कितना मजा आता है और फैमिली के दोस्त. अच्छा ऐसी जगह पे आप वैसे ज्यादा लोग हो ज्यादा मजा आता है. यानी कि आप दो लोग उठ के चले जाएं तो एक अजीब सा आपको ग्रुप होना चाहिए. तो हम लोग ग्रुप में ही गए हमेशा. अच्छा ये बताकुंडी था. ये अभी मैं जो ट्रिप बता रहा था जो मुश्किल वाला सूरत है वैसे ये बैकग्राउंड. हां जी ये जगह बाकी है. ये पता है लाइक ये बाहर लग रहा है भाई. हमें नहीं पता पाकिस्तान में इतनी प्यारी जगहें भी हैं. ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी जगह. और बताएं आगे बढ़े. हाँ ये भी कहीं पहाड़ों में बैठे में अच्छी सी तस्वीर थी.
वहाँ की। अच्छा वहाँ पे बाय द वे जो समर्स में आप समरी क्लोथ पहन सकते हैं। अच्छा हाँ मतलब शाम के वक्त और वो बदलता भी रहता है, ऊपर नीचे मौसम होता रहता है। अगेन ये भी कहीं अपना ये तो दोनों पार्टी को लेकर गए हम तो मैं कह ही रहा दोनों बच्चों को लेकर। ये काफी पुरानी तस्वीर है और ये मैंने खुद पर्सनली पहली दफा स्नोफॉल देखी थी। ये आज से कोई 10-12 साल पुरानी है और ये था। ये पता नहीं क्यों डाल दी ये तो समुंदर की है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। लाहौर वालों के लिए समंदर भी तो वेकेशन है। ये अगेन दिस वाज ये भी कहीं अप नॉर्थ, ये भी 10-12 साल पुरानी है। बहुत ज्यादा ठंड थी अगेन ये सिर्फ क्या लेडीज वहाँ का असूल था, फ्लश सिस्टम सिर्फ खाने सिर्फ जो खाना खाएगा वहाँ पे वही जा सकता है, उसके अलावा आप नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स में ये होता है, ये लेडीज ये भी हाँ ये एक्चुअली उस वक्त बर्फ। ये तो बीच में तो कोई रणबीर कपूर लग रहा है, कौन है भाई? हाँ ये मेरा दोस्त है जी, देश को भी मिल जाएंगे ड्रामे। और ओह माय गॉड ये शुगर लगता है वहां पे ऑब्वियसली आप ये शुगर बहुत होता है लेक के पिक्चर तो आए आए। ये भी कोई हो रही है ना क्रेविंग, देखा कंटेजियस है, दूसरों की तस्वीरें देख के खुद भी जाने का दिल चाहता है। ये बहुत अच्छे टाइम पर किया ये शूट क्योंकि अब बच्चों की विंटर हॉलीडेज हॉलीडेज आ रही है तो उसमें वो बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा आप वो जो खानदान वाले जिनके घर में शादी है वो कह रही निधा भड़का रही है ताकि हमारी शादियों में कोई ना आए, सारे हमारे खानदान वाले निधा भड़का रही है। वैसे अच्छा है वेकेशन पे चले जाएं, शादियां तो चलती रहती हैं। नहीं नहीं शादियों में भी मजा आता है, हमारी भी घर में आ रही है ना। ओके आगे बढ़े, खत्म हो गई भाई। हाँ अच्छा बहुत सारे लोगों को ये मुझे बताएं कि खास तौर पे हिल एरियाज जाने के लिए क्या सेल्फी स्टिक का होना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं। वैसे अगर सही तो होता है आप वाइट जो है ना वो हाँ। आपको बैकग्राउंड मिल जाता है। हाँ। नहीं अब तो कैमरे ऐसे आ गए मोबाइल के कि वो आपको वाइट कर और आप किसी को भी रिक्वेस्ट हाँ। करते हैं वो खींच देते हैं आपकी पिक्चर। हाँ। हमारी कितनी ऐसी पिक्चर, लेकिन आप फ्रेमिंग जो खुद कर सकते हो वो नेचुरली बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर। मेरे मियां तो फ्रेमिंग करके देते हैं। हां मेरे यहां से हिलना नहीं, ये देखो यहीं पे स्टैचू। अच्छा एक अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करने वाली हूं, अब अगर लोगों को जाना है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करती हूँ। अब एक मिडिल क्लास फैमिली है समझे, लोअर मिडिल क्लास, वो पहली दफ़ा घर से निकल रहे हैं कि हम भी देखते हैं, हम भी घूमने चलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। सो अगर आप लोअर मिडिल क्लास की किसी फैमिली को जिसने बहुत मुश्किलों से पैसे जमा किए टूर के लिए मशवरे देना शुरू करेंगे तो प्लीज़ एवरेज होटल कितने का होगा, क्या कितना तकरीबन, मतलब मैं ही नहीं कह रही एग्जैक्ट बताएं, कितनी जेब में पैसे उनके होने चाहिए कि वो प्लान करने का सोचे भी? इट्स डिपेंड कि वो कहाँ से सफ़र कर रहे हैं, किस हाँ. कहाँ की फैमिली है, कराची की है, लाहौर की है, इस्लामाबाद की है। चलिए कराची से शुरू करते हैं। कराची से शुरू कर रहे हैं तो नेचुरली 60+ तो होना चाहिए। अच्छा पर पर्सन, पर पर्सन अगर उनका 7 दिन का प्लान है। अच्छा और दूसरी बात अगर उनका बजट कम है हाँ. तो वो ये ना कहें जी हमने 7 दिन ही घूमना है। अच्छा. आप इजाफा 3 दिन कर लो हाँ. उसके बाद फिर दोबारा आप उसको सेविंग करो अपनी, क्योंकि मेरे पास लेकिन वो इतनी दूर गए कराची से, 3 दिन तो बहुत कम है ना, तो कम हो गया ना तो 7 डेज के लिए तो फिर उनको, क्योंकि टिकट इस वक्त नेचुरली आपको ट्रेन का टिकट भी चाहिए, उसके साथ फिर होटल है, खाना पीना है, तो इतना तो सेविंग आपकी होनी चाहिए 60+ में कि आप। लेकिन लोअर क्लास जो फैमिलीज है वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। मैं आपको बताऊँ मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसी हैं जो जॉब करती हैं, वो कमेटियां डालती हैं, मैं भी बोलने वाली थी। कमेटियों से वो मेरे साथ जाती हैं और मुझे पहले से बता देती हैं जी इस महीने में मेरी निकलेगी, इस हाँ। इस महीने जो आपका ग्रुप है आपने मुझे रखी। हाँ ये आई थिंक फायदा एक और भी होता है कि जितना बड़ा ग्रुप होता जाए तो उतना ज्यादा आपके पैसे भी कम। और एक चीज और, आप इंडिविजुअली जाते हो तो वो महंगा होता है, कोशिश करें आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वो लोग जो आप ग्रुप अरेंज कर रहे हैं उनके साथ जाएं, वो कॉस्ट नेचुरली कम होती है। और वैसे भी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जैसे दोस्तों के साथ जाते हैं, जैसे ये है जैसे ग्रुप बना लिया पूरे दोस्त सब आपके मतलब के लोग सारे वो हो गए, तो आपने अच्छी बस हायर करनी है, ऐसे ही बस में जाएंगे वो शेयरिंग में आ जाएंगे, शेयरिंग। और मुझे लगता है अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप फिर
होटल में कमरे भी कम ही बुक करवाते हैं, दो तीन कमरों में भी आप अकोमोडेट कर मतलब ज्यादा लोगों में जैसे आप खाना खा रहे हैं तो भी बिल आपका डिस्ट्रीब्यूट। मेरे डायरेक्टर कब गए थे आप? अच्छा 3 साल पहले की कहानी बता रहे। 3 साल आपको पता है तेल का डब्बा कितने का हो गया? ओके 3 साल पहले मेरे डायरेक्टर गए थे 7 लोगों को लेकर 135,000 में, कहा पूरा कलाम सिर्फ, और कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए सिर्फ कलाम, मालम जब्बा भी होगा ना उसमें। 5 दिन के लिए सिर्फ कलाम गए थे 7 लोगों को लेके, जिसमें बच्चे भी थे बड़े भी थे, और ये 3 साल पहले की बात है। लेकिन हाँ, और अभी कहे आप, मैं अंदर से भी पूछ रही हूँ ना सब, अभी जब आप पिछले साल गए हैं जब कोविड में, सो 1.45 लगे थे कितने लोगों के? 7 लोगों के। और किस चीज में गए थे मैं पूछ किससे, सॉरी बता रही। अच्छा वो पहले यहाँ से ट्रेन में गए, फिर लॉन लॉर इनका अपना घर है, वहां रुके थे, वाह 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 वाह। अच्छा फिर लाहौर से गाड़ी कढ़ाई इन्होंने और ये डायरेक्ट कलाम गए। हाँ ठीक है, और फिर कलाम में ही रुके थे, कलाम के अंदर रुके और वहीं घूमते रहे, माँ के होटल, माँ के, हाँ माँ से जीप जाती है, वहीं से टूर लिया, फिर वापस आ गए। हाँ, हम लोगों ने भी ऐसे किया था। हाँ तो अगर आपके पास ज्यादा दिन भी है और आप कम जगहों का बना रहे हैं तो आपका कम बजट खर्च होगा। अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसा बजट है कि आप कितने दिन, आप कह रही है 60,000 पर पर्सन में कितनी जगहों पे घूम जाए, 6 नाइट 7 डेज तो कर सकते हैं, 6 नाइट 7 डेज और अगर ग्रुप है तो, अगर ग्रुप है तो वो उस सराउंडिंग में जो भी वो कर रहे हैं एरिया उसके जितने भी साइट सीन है वो कवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपको एक हफ्ता तो चाहिए। हाँ, आपको यहाँ जाने के लिए 3 दिन नहीं चाहिए, आपको हफ्ता तो आप मिनिमम रखें। और ये 60,000 में ट्रेन से ट्रेन से और आप एंजॉय भी उस वक्त करते हैं। अगर भाग दौड़ में रहते हैं ना तो टायर्ड हो जाएंगे, तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? एक दिन तो आप जाने का, रेस्ट तो बहुत जरूरी है, रेस्ट करते जाएं। एक आई थिंक एक और जो फाइनल एक मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि लोग टाइम से अगर सो जाए ना वहाँ पे तो आपके पास डे लाइट आपने ज्यादा एंजॉय करना है, वो जरूरी है। तो जितना जल्दी आप उठेंगे उतना पूरा दिन एंजॉय करेंगे। रात को लूडो चल रहा है, हाँ, लूडो चल ये वाला सीन, 12 बजे सो के उठ रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपका दिन निकल गया। नहीं वो तो आपको उठना पड़ता है, डे लाइट में ही कर सकते हैं आप। ये बात जब मैं अपने मियां को बोलती थी तो वो कहता है, मतलब मैं यहाँ की बात नहीं करी कहीं, तो कहता है अरे हाय वहाँ पे भी सुबह उठती हो, यहाँ पे भी सुबह उठोगी, सो जाओ। तो वो घूमने के लिए भी सुबह उठना पड़ता है, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। अच्छा अब अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है पर आप बजट आप जो है ना वो मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, अच्छा बजट है, टाइम आपके पास कम है, फिर बायर जाइए। बायर किधर जा सकते हैं? कराची से अगर हम जा रहे हैं, कराची से आप जाएंगे आप गिलगित जा सकते हैं, आप स्कर्दू जा सकते हैं, बायर जी आप क्वेटा जा सकते हैं, क्वेटा के साथ आप ज्यारत कर सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल। मैंने देखा है, मैं 2 साल क्वेटा में रही हूँ, ज्यारत सीन याद है, हम कैसे गोदियों में बैठ के गए, छोटी सी गाड़ी थी हमारी, 7 लोग तो हम इस तरह करते थे कि पहले नीचे वाले जो बैठते थे ऊपर वालों को गोद में बैठाते थे, फिर ऊपर वाले नीचे बैठते थे, फिर नीचे वालों को गोद में। सिनाई 5 और 7 साल की होंगी, इतनी छोटी सी। हाँ, सो ज़ियारत भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है कोयटा के करीब। ओके आए बस ब्रेक आ रहा है। ओ ओ भाई एक आखिरी मशवरा प्रोग्राम खत्म करने से पहले, जो आप प्रोग्राम खत्म ही सॉरी ब्रेक पे जाने से पहले क्या मशवरा देंगी जो घूमने जाना चाहते हैं? मैं तो यही मशवरा दूंगी कि आप पूरी प्लानिंग करके जाएं और गैस होनी चाहिए, और गैस बहुत जरूरी है वहाँ पे, जिस होटल में रुक रहे हैं वो कंफर्ट लेवल आपका बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स। ठीक है तो कंफर्ट लेवल देख कर जाएं, गूगल करके ना जाएं, गूगल करके। आपकी क्या टिप है? आप तो कहेंगे टूर ऑपरेटर के साथ, अगर आपको प्री प्लान करना है कम वक्त में कम पैसों में तो नेचुरली वही आपको बता सकता है, आप खुद से जगह ढूंढेंगे। और आप ख्वार भी नहीं होते ना, मतलब एक तो ख्वारी जगह रास्ता भटक गए और आपको नहीं पता, आप जिस ड्राइवर को लेके जा रहे हो, आप जिस ट्रांसपोर्टर से आप बात कर रहे हो वो आपको सही जगह पे भी लेके जाएगा या नहीं। नॉर्मली अगर आप
अभी बहुत सारे होटल्स ने शुरू कर दिया टूरिज्म का काम, वो क्या करते हैं आपको वो जगह ही नहीं बताते जो दूर हैं, जो आप सेम डे जाके वापस नहीं आ सकते, वो सिर्फ अपने होटल की वो आप ज़्यादा दिन उनके होटल में ठहरो वो सिर्फ वो जगह बताते हैं जो उनकी सराउंडिंग में, कि आप सेम डे जाइए और वापस आ जाइए. ठीक. अब जब आप 3-3.5 घंटे की ड्राइव करके कहीं जा रहे हो, जैसे मंगोरा जा रहे हैं आप, अभी बस से एक ही टिप देनी थी. अच्छा, ओके. टाइम जेट खत्म हो रहा है. बताओ भाई. मैं तो सबको सिर्फ ये कहूंगा कि दिल दिल पाकिस्तान को समझें, और जब आप इन जगहों पे जा रहे हैं तो अपने उसको अपना घर ही समझें, और सफाई सफाई का प्लीज ख्याल रखें. बाकी मेरी तो ये टिप होगी. और भाई तुम क्या कहोगे? बस ये कि होमवर्क करके जरूर जाए. और अगर मतलब आप वही वाली बात है कि कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स और ये सब गए हुए होते हैं, और आप उनसे लोग ड्राइवर के नंबर्स ले लेते हैं, यार हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो ये ड्राइवर का नंबर ले लो, तो आप आगे शेयर कर देते हैं कि यार इस ड्राइवर के साथ ही जाना, हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है. तो आप इस तरह जाएं तो प्लानिंग के साथ जाएं, प्लानिंग कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और इस तरीके से हमें. और फिर वहाँ के जो जानने वाले हैं, जैसे पंजाब वगैरह में कोई रहता है उधर, उनसे पूछ पूछ के. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल. और ऐसे नहीं कि आप रैंडम चले जाएं, जैसे सादिया ने बोला कि गूगल किया और चले गए. हाँ. नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता. ओके. तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा काफी चीजों का. सो पैसे भी हमने आपको बता दिए, खाने पीने के बारे में भी बात हो गई, रहने के बारे में भी बात हो गई, खूबसूरती के बारे में भी बात हो गई, और वाकई बहुत अच्छी खूबसूरत जगह. गूगल और इन सब चीज़ों पे आप वो जगहें देख सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी ज़रा प्रोफेशनल होती है, सो आपको शायद इनकी तस्वीरों से इतना अंदाजा. मैंने वीडियोस भी दी थी इनको, पता नहीं वीडियोस नहीं चलाई. अच्छा, इन्होंने कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाई हुई हैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव, खास आपको गाइडलाइंस देने के लिए. वो भी देखें, पहले ये पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ये हो रही हैं. सो जैसे जब मैं बाहर भी जाती हूँ पाकिस्तान से, तो मैं इसी तरह प्लान करके जाती हूँ, और यूट्यूबर्स की वीडियोस की वजह से मुझे सस्ता महंगा फलाना ढमाका ये सब पता चल जाता है कि जेब में इतने पैसे होने चाहिए. सो अपना ट्रिप प्लान करें और लॉकर से जेवर को फारिग करें, कोई फायदा नहीं. कमेटियां डालें, कमेटियां डालें ऐसे ही. और मैं आपको बता दूं, घर की औरत ही इस टूर के पैसे जमा कर सकती है. सो जमा करना शुरू कर दें, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप भी जाएंगे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद देखते रहिए. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. तो हम क्योंकि पाकिस्तान की बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद, गुज़िश्ता 2 अरसों से ज़ायद इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल क्वालिटी का कैंसर हॉस्पिटल कामयाबी से चलाया जा रहा है, और इस वक्त कराची में 3rd कैंसर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से जो है ना जारी सारी है. ये बिल्डिंग 10 लाख स्क्वायर फिट पे तामीर की जाएगी, और अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो ये लाहौर वाला जो कैंसर हॉस्पिटल है उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है. जो स्ट्रक्चर है इसका बेसिकली वो 70% से ज़ायद कंप्लीट हो चुका है. इस हॉस्पिटल में मॉडर्न मशीनरीज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और वेल ट्रेन्ड स्टाफ भी मौजूद होगा, और तमाम जो पेशेंट्स हैं ना, उनकी उनको उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं परखा जाएगा, बल्कि सबको एक जैसी फैसिलिटीज फराहम की जाएंगी. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा, जो तकरीबन 16.4 बिलियन की लागत से कंप्लीट किया जाएगा. इस हॉस्पिटल को पूरे पाकिस्तानी कौम की इत्तेहाद की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. जैसे पाकिस्तानियों ने लाहौर और पेशावर वाले शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल को बनाने में आगे बढ़ के हिस्सा लिया था, बिल्कुल इसी तरह कराची में बनने वाले सबसे बड़े शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को आपकी ज़रूरत है. अच्छा, अब अगर मैं ये आपसे कहूँ कि इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त यहाँ ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको फराहम करने के लिए हमारे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब,
जो कि CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल। कैसे हैं आप? माशाल्लाह पेशावर और लाहौर में तो ऑलरेडी है, कराची में क्यों जरूरत महसूस हुई शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की एक और ब्रांच बनाने? दो मेन वजहें, एक तो ये कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, कराची ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है लाहौर की कंस्ट्रक्शन में, पेशावर की कंस्ट्रक्शन में, उनको चलाने में 27 साल से, तो हमारा ख्याल था कि अब तीसरा हॉस्पिटल हम कराची में बनाएं। स्टेपिंग बैक, हम पाकिस्तान में इस वक्त 1.25 लाख 1,75,000 नए कैंसर के पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं, तो दो हॉस्पिटल से तो इतने मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं है। हमारा एस्टिमेट है कि लाहौर जैसे टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है शौकत खानम जैसे लाहौर में है हमारा, उस तरह के 20 अस्पताल चाहिए पाकिस्तान में पूरा कैंसर का इलाज करने के लिए। तो इसलिए हमने अब मुल्क का तीसरा, शौकत खानम का तीसरा और मुल्क का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी तामीर का काम यहाँ शुरू किया कराची में। अच्छा, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी? एक तो वहाँ जो कराची में आप इंशाल्लाह ओपन होगा, थर्ड कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, और दूसरा कि वो डिफरेंट कितना होगा लाहौर और पेशावर वाले कैंसर हॉस्पिटल से? सो हमारा मॉडल जो है वो टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल का है, जिसका मतलब है कि तमाम जो आलात और डॉक्टर्स हैं तशखीस के लिए कैंसर के लिए, मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट्स होती हैं कैंसर के लिए, कीमोथेरेपी या दवाइयों से जो इलाज होता है बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से और सर्जरी या जराही से, वो सारी फैसिलिटीज भी साथ में हों, और फिर फाइनली जिन लोगों का इलाज और मुमकिन नहीं होता या जिनकी बीमारी अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाती है उनको हम पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एंड ऑफ लाइफ केयर, उनकी जो अलामत हैं बीमारी के उनको ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा मॉडल है कि एक ही फैसिलिटी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो कराची हॉस्पिटल में भी ये सारी चीज़ें लाहौर और पेशावर की तरह एक ही छत के नीचे सारी होंगी, सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी होगी। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, जैसे आपने मेंशन किया पहले कि लाहौर से दुगना है साइज़ में, लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे तामीर है, ये 1 मिलियन या 10 लाख पे है। इसमें बेड्स भी डबल हैं लाहौर से, लाहौर में 200 बेड्स हैं, इसमें 470 से ज़ायद बेड्स हम बना रहे हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, यहाँ हम 16 बना रहे हैं, डबल है हर चीज़। लाहौर में 5 रेडिएशन की मशीनें हैं, यहाँ 10 बना रहे हैं, और लेटेस्ट इक्विपमेंट डायग्नोसिस के लिए CT, PET CT, PET MR, जो मुल्क का पहला PET MR स्कैनर होगा वो भी इंशाल्लाह यहाँ होगा, क्योंकि कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, फिर इस मरीज इस हॉस्पिटल में अंदरून सिंध से भी मरीज़ आएंगे, और जब तक हमारे चौथे अस्पताल जो कि क्वेटा में बनना है उसका काम शुरू नहीं होता, तो जनूबी बलोचिस्तान से भी इंशाल्लाह मरीज इसमें ट्रीट किए जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉपरली अगर मैं आपसे पूछूँ कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वो अब किस स्टेज पर है, कहाँ तक पहुँच गई? तो जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन 70% अब बन चुका है। ठीक है, इसके ग्रे स्ट्रक्चर का काम इंशाल्लाह अगले साल सितंबर में मुकम्मल होगा, सितंबर 2022 में। फिर एक साल और हमें लगेगा फिनिशिंग में, HVAC जो एयर कंडीशनिंग वगैरह का सिस्टम होता है सारा, उसकी डक्टिंग और इक्विपमेंट लगाने में, और इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में ये अस्पताल खुलेगा। जिस दिन ये खुलेगा तो इसमें तमाम जो मैंने फैसिलिटीज बताई हैं वो सारी एक साथ अवेलेबल होंगी। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, वो आदमी जिसकी कोई सोर्स नहीं हो, कोई जान पहचान नहीं हो, और वो अपना इलाज यहाँ कराना चाहता है, और वो भी लाइक वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिना पैसों के, सो वो कैसे इनिशिएटिव लेगा इसके अंदर दाखिल होने की? सो पहली बात तो ये कि हमारा मॉडल है ही ये कि हम क्वालिटी और इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, हम यकीन बिलीव करते हैं कि सबसे आला मेयार की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए और सबको एक जैसी होनी चाहिए। हमारे लाहौर, पेशावर और कराची में वॉक इन क्लिनिक्स हैं, जहाँ कोई भी मरीज़ जिनको शक हो या जिनकी तशखीस हो चुकी हो कि उनको कैंसर है, वो फ्री जाके तो वहाँ अपना चेकअप करवा सकते हैं, अपने टेस्ट रिव्यू करवा सकते हैं। हम डिज़ीज़ के बेसिस पे और स्टेज के बेसिस पे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये नहीं हम देखते कि वो पे करेंगे या नहीं, लेकिन पिछले 27 साल से लाहौर में और 6 साल से पेशावर में 75% से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनका टोटली फ्री इलाज किया गया कैंसर का। तो कराची में भी यही मॉडल इस्टेब्लिश किया जाएगा और यही रूल्स फॉलो किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन भी तकरीबन कितना खर्चा आएगा, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये करना चाहती हूँ कि दो हॉस्पिटल्स को आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं, सो क्या तीसरे की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल नहीं होगी?
सो टोटल जो कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट का जो खर्चा है जब दिसंबर 2023 में खुलेगा उस वक्त तक इंशाल्लाह इसका जो एस्टिमेट है हमारा वो 16.4 अरब रुपए का खर्चा है टोटल, जो कि बहुत बड़ा सम है जबकि दो, जैसे आपने कहा, लाहौर में और पेशावर में हॉस्पिटल अभी चल भी रहे हैं और वहाँ पर भी एक्सपेंशन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये सारा चीज़ ही मुश्किल है कि दुनिया में कोई और फ्री कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जो गवर्नमेंट सपोर्ट जिसको ना हो, जहाँ 75% से ज़ायद फ्री इलाज किया जाए। तो हमें यकीन है कि जिस तरह हमेशा पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, उन्होंने दिल खोल के हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको बिलीफ है कि जो वो पैसे देते हैं वो सही जगह पे खर्च होते हैं, मरीजों के ऊपर ही खर्च होते हैं और फ्री इलाज वाकई होता है। तो इसी तरह जैसे लोगों ने हमें लाहौर और पेशावर के लिए सपोर्ट किया, तो हमें यकीन है कि कराची के लिए भी सपोर्ट करेंगे। एक बात मैं और कहता चलूँ कि कराची ने हमेशा लाहौर और पेशावर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी और उनके चलाने के लिए भी कंसिस्टेंटली हमें सपोर्ट किया, जब कराची में कोई फैसिलिटी नहीं थी हमारी। अभी भी तकरीबन 23% जो हमारी डोनेशंस हैं वो कराची से आती हैं। सो अब ये मौका है कि कराची का तो अपना ट्रेडिशन हमेशा से है ही चैरिटी का और फिलान्थ्रोपी का, पर ये अब बाकी पाकिस्तान के लिए भी मौका है कि वो अब पे बैक करें और वो कराची में जो बन रहा है हॉस्पिटल उसको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करे। अच्छा, हम लोग शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की, कराची की जो हॉस्पिटल है उसकी तामीर में हम लोग कैसे अपना लाइक हिस्सा डाल सकते हैं, क्या तरीके का है? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है 777-0 पे एक ब्लैंक SMS आप भेजें। 777-0 तो 20 रुपए शौकत खानम को मिलते हैं। ठीक है। अगर आप देखिए, ये वाली बात हो गई कि हर रक्षा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रोजाना का एक SMS, एग्जैक्टली हर कोई अपना हिस्सा डाल सकता है इसने काम। एब्सोल्युटली कोई मिनिमम नहीं है कि इससे ज्यादा जरूर चाहिए दें आप, 10 रुपए दें आप बेशक, 100 रुपए आप देके तो एक ईंट लगवा सकते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, 5 लाख बैंकिंग ऐप वगैरह जो होती है आजकल, सब आजकल लगाई हुई है, वो उससे भी आप डोनेट कर सकते हैं। जब आप ऐप में जाते हैं तो लिखा हुआ आता है शौकत खानम के लिए डोनेशन, बिल्कुल ठीक है। 5 लाख रुपए अगर आप दें तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। फाउंडिंग डोनर का मतलब है कि आप अपना नाम या अपने किसी लवाहिकीन का, वालदेन का नाम, हम एक हमारी हर हॉस्पिटल में एक फाउंडिंग डोनर्स की मॉन्यूमेंट होती है, जैसे लोग कुएं खुदवाते हैं अपने अब्बू के नाम के, और इस तरह ये सदका जारिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसी तरह आप उनके नाम का जो इस दुनिया में नहीं रहे कि उनको सवाब पहुंचे, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप 20 लाख दें तो फिर आप एक पूरा कमरा या एक एरिया जो है हॉस्पिटल में वो अपने नाम या अगेन अपने वालदेन के नाम डेडिकेट करवा सकते हैं। इसका पूरा एक मेन्यू है हमारी वेबसाइट पे www.shaukatkhanam.org.pk, वहाँ से भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इक्विपमेंट भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, मशीनरी वगैरह, उसका भी पूरा मेन्यू लिखा हुआ है, $100 से लेके तो $1 million तक। अच्छा, अगर कोई घर बैठे डोनेशन देना चाहता हो और वो ये चाह रहे हैं कि भाई कोई मतलब लाइक मैम ऑनलाइन, भाई हर कोई ऑनलाइन इतना नहीं होता, नहीं, हम कलेक्ट भी करवाते हैं। सो एक नंबर है 0800-111-555, ठीक है, उस पे आप फोन करें तो हमारे नुमाइंदे आके आपसे अपनी कैश या चेक या जैसे भी आप देना चाहें आपकी डोनेशन कलेक्ट करेंगे और उसी वक्त वहीं पे एक पक्की रसीद भी आपको देंगे। ठीक, और आपको बाद में हॉस्पिटल से भी एक्नॉलेजमेंट आएगी कि वो पैसे आ गए हैं। मैं तो यही कहूँगी पूरे पाकिस्तानियों को कि अपने यहाँ जो कराची में अब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का नया नई ब्रांच बन रही है, इसको भी सपोर्ट करें। कराची ने भी सपोर्ट किया, अब कराची की बारी है तो पूरा पाकिस्तान यहाँ भी सपोर्ट करे। और ये एक बेहतरीन, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी है ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो ख़ास तौर पर अपनी ज़कात और सदक़ात वो इधर भेजने में इंटरेस्टेड होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं जो यहाँ उनके रिश्तेदार हैं, हमने कम कहाँ दें, हम किधर, तो अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं और उसके बाद फिर वो, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इंटरनेशनली डायरेक्ट भेजना चाहे उनके लिए कोई है इस तरह। बिल्कुल, सो इस वक्त तकरीबन 40% जो हमारी ज़कात और अतियात आते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहता चलूँ कि जो ज़कात है
वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है उसी साल में जिसमें दी जाती है, वो सेव नहीं की जाती, उससे तामीरात का काम या इक्विपमेंट नहीं खरीदी जाती। ठीक है, नॉन ज़कात डोनेशंस हैं और जो हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हमारे लेबोरेटरी के कलेक्शन सेंटर वगैरह हैं, उससे जो मुनाफा आता है उससे हम कंस्ट्रक्शन का काम और मुस्तहक मरीजों का इलाज भी उससे करते हैं। और मैं ओवरसीज हम रजिस्टर्ड हैं यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों में, नॉर्वे और स्वीडन में और फ्रांस में। सो वहाँ पाकिस्तानी डायरेक्टली वहीं पे डोनेट कर सकते हैं शौकत खानम की जो चैरिटी है, और उसके जरिए उनको टैक्स रिलीफ भी मिलता है क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं वहाँ। मैं एक उबर ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी, मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ये एक आम बात हुई ना, हम सेलिब्रिटी हैं, लोग पहचानते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद वो उनके बच्चे कैंसर पेशेंट थे और फिर उनको किस तरह लाहौर बुलाया गया था टिकट भेज के शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि उनके पास ट्रैवलिंग के भी पैसे नहीं थे। सो वहाँ से उनको टिकट भेजा गया, वो और उनका बच्चा और उनकी बीवी, वो तीनों गए थे, वहाँ इलाज हुआ है उसका। और फिर लाइक वो यही कह रहा था, हमारा ठहरना खाना पीना जो भी था जहाँ भी हमें, वो सब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ने ही खर्चा उठाया था। और उसने मुझे स्पेशली बोला कि प्लीज़ आप जाके ऑन स्क्रीन ये बताएगा। और मैंने उस दिन अपने शो का की शुरुआत ही उस तरह की, क्योंकि जब जेन्युइनली आपको आम पब्लिक ये बोल रही हो सो आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। सो वो हैट्स ऑफ, आप लोगों ने माशाल्लाह दो बना लिए हैं, तीसरे की बारी है और इंशाल्लाह आपका 20 का प्लान है। हमारी पब्लिक बहुत सपोर्टिव है और इंशाल्लाह 20 भी बनेंगे पाकिस्तान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह इतने अच्छे से आप निज़ाम को संभालते रहे शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बड़ा पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्रोग्राम लग रहा है ना आज का, पाकिस्तान के नज़ारे, पाकिस्तान का टूरिज्म, पाकिस्तान के हॉस्पिटल। सो इसी तरह पाकिस्तान के लिए साथ खड़े रहिए। मैं आपसे खुदाफिज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।